गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अजीत मौर्य, शिखा, रवि, सविता और जितने भी लोग, करीब 32 लोग अभी इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग बात कर रहे थे, आपको याद हो, दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक इतिहास पे कंप्लीट कल बातचीत हो गई थी। हाँ, क्या क्या हम लोगों ने इसमें कल बात किया था आपसे? तुगलक वंश के बारे में, रिमेम्बर, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, उनकी गतिविधियों के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद सैयद वंश में हमने कहा था केवल शासकों का नाम थोड़ा ध्यान रह जाए, कुछ खास उपलब्धि तो है नहीं उनकी जो आपको बहुत एफर्ट लगाने हैं उसके ऊपर। और लोधी शासकों में भी 3 शासकों का नाम हमने लिया, जिसमें एक तो अमीरों के प्रति नीति को लेकर वो चर्चा में रहते हैं इतिहास के किताबों में, कोई भी किताब पढ़ोगे तो अमीरों के प्रति नीति को लेकर 3 शासकों की तुलना होती है, उसके लिए जाना जाता है कि भाई इसने कैसा व्यवहार किया है ना, तो उस पहलू को बताया था। सिकंदर लोधी उन तीनों में सबसे ज्यादा योग्य भी थे, तो उसकी 5-10 गतिविधियां जो हैंडआउट्स में दी गई हैं, वो सब क्या क्या उसने किया सिकंदर लोधी ने, वो सब पढ़ना है आपको, है ना, ठीक है। और इब्राहिम लोधी के कुछ खास था नहीं, अमीरों को नाराज कर ही दिया था, और बाबर का आक्रमण होता है, कुछ उसके ही मंत्रियों रिश्तेदारों ने बाबर को बुलाया था, एक राजस्थान के शासक है राणा सांगा, ठीक है, उनके बारे में भी जिक्र आएगा जब अभी क्षेत्रीय राज्य पढ़ेंगे हम। और बाबर आने के बाद फिर पलट जाता है वो, है ना, पलट किया जाता है, बेसिकली भी स्कीम में ही था कि हमें कब्जा करना है। तो इसके बाद प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन याद है सभी को, सुल्तान, कुछ मंत्रालय, प्रमुख अधिकारी, ठीक है, कारखाना, है ना, केंद्रीय स्तर पे सब बात की थी। प्रांत और एकता व्यवस्था पे भी आपसे बात हुई थी, यस। और जिला स्तर पे, परगना स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे, जिला को शिक कहते थे, परगना स्तर पे अधिकारियों का जिक्र चौधरी और अमलगुजार या आमिल, ठीक है, ग्रामीण स्तर पे खुत या खोत, मुकद्दम, ये दोनों जमींदार होते थे, पटवारी, जो खुत मुकद्दम होते थे, लॉ एंड ऑर्डर बनाना और रेवेन्यू कलेक्टर नाम का काम था, पटवारी रिकॉर्ड रखने का काम करता था। पटवारी आज भी अलग अलग, कहीं पे ग्राम कर्मचारी कहते हैं, कहीं पटवारी कहते हैं, है ना, कहीं पटवार कहते हैं। राजस्थान में जब कभी मैं क्लास देता था और पटवार की वैकेंसी आती थी तो पूरा शहर रंगा रहता था पटवार से, है ना, जयपुर शहर की बात कर रहा हूं मैं तो। और अलग अलग मतलब, बट ये इनकी बड़ी भूमिका आज भी है, है ना। फिर जो मंगोलों के बारे में जो 4-6 बातें नोट्स के अंदर लिखी हुई थी, पहली बार खतरा उपस्थित कब हुआ, रजिया के समय भी खतरा उपस्थित हुआ था, नोट्स में नहीं मेंशन है बट बता दूं, क्योंकि किसी एग्जामिनर को मंगोलों से बहुत प्यार हो गया है, बैक टू बैक 2 सवाल पूछा उन्होंने, ठीक है, क्या पता मंगोलपुरी इलाके के रहने वाले हों एग्जामिनर, ठीक है ना, तो सोच रहे हो कि चलो भाई कुछ सवाल हम और पूछ लेते हैं। तो रजिया के समय भी खतरा उपस्थित हुआ था, वो टल गया था। बहराम शाह के समय आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आखिरी आक्रमण हुआ था। बलबन पहला शासक है जिसने मंगोलों को मतलब रेजिस्ट किया, प्रतिरोध किया, बट सुरक्षात्मक। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक है जिसने काउंटर अटैक किया। मोहम्मद बिन तुगलक हर मामले में 1 डिग्री आगे था, बोला मंगोल आते जहां से वहीं इनको घेर लेते हैं, भारत में आते ही क्यों है, खुरासान ही चलते हैं। क्योंकि उस समय बैकग्राउंड भी सल्तनत का ऐसा था, इतना बड़ा साम्राज्य था कि आप यदि विस्तार करना भी चाहे तो सीमा हिंदुकुश के बाहर ही विस्तार करेंगे आप। परिस्थितियों को भी देखोगे ना तो परिस्थितियां भी तो वैसी ही थी ना। तो ये मंगोलों के बारे में था। अमीर जो योग्य शासक है उसके अधीन रहेंगे, जो अयोग्य शासक है उस पर हावी रहेंगे। उलेमा का भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, 3 शासकों ने खलीफा से मान्यता ली थी, पहला इल्तुतमिश था, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक था। जब विद्रोह ज्यादा होने लगे, उलेमा पे इनका कंट्रोल नहीं रहा, वश नहीं रहा,
ठीक है, तो फिर उलेमा को खुश करने के लिए इसने खोज करवाई कि खलीफा भी रह कहाँ रहे हैं। इस समय तक आते आते खलीफा की स्थिति ये थी कि खोजना पड़ता था खलीफा कहाँ है, क्योंकि इतने सारे राज्य हो गए थे इस्लामिक राज्य ही, और इतने शासक मजबूत थे कि खलीफा की उतनी अहमियत रह नहीं गई थी। वहां पर भी एक होता है सिद्धांत, भाई एक पद है, और एक होता है व्यक्ति का अपना ऑरा। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में चाहे खलीफा हो या कोई व्यवस्था हो, व्यक्ति में दम है, योग्यता है, तो उसकी पहचान होगी, नहीं है तो बस केवल नाम थोड़ा बहुत चलता रहता है। ठीक है, जैसे सुल्तान के साथ होता था, जैसे मुगलों में बादशाह के साथ होता था, वैसे सेम स्थिति खलीफा की थी। और बीच बीच में चंगेज खान ने खलीफा को काफी नुकसान पहुंचाया, तैमूर ने खलीफा की सत्ता को काफी नुकसान पहुंचाया। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जब ऑटोमन साम्राज्य तुर्की में उभर कर आता है। कई देश पुरानी यादों में खोए रहते हैं, तुर्की भी उसमें एक है, काफी आधुनिक देश है वो, यूरोप के मुहाने पे बैठा हुआ है, लेकिन पुरानी यादें हमेशा उसको भी कुरेदती रहती है, क्योंकि एक समय उसका जलवा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्यकाल यानी उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल की पूर्व वेला पर यूरोप के ठीक ठाक हिस्सों पे, एशिया के ठीक ठाक हिस्से पे और अफ्रीका के ठीक ठाक हिस्से पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा रहा है। उस्मानिया वंश, उस्मानिया सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर की बात करते हैं, उसका जिक्र आएगा विश्व इतिहास वाली क्लास में भी, है ना। तो उन सब से भी खलीफा को काफी नुकसान हुआ था। तो ये सब कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिरोज शाह तुगलक चूंकि धार्मिक रुझान वाला व्यक्ति था, तो उसने श्रद्धा से ही और अपने आप को कहा था मैं खलीफा का दास हूं। ठीक है, अपने आप को उसने, मतलब होता ना सब टाइटल लेते थे कभी कभी, तो उसने टाइटल ही लिया था कि मैं खलीफा का दास हूं। ये सब राजनीतिक घटनाक्रम कल आपको एक्सप्लेन कर दिए गए थे। हम लोग अभी बात करेंगे सोसाइटी इकोनॉमी के बारे में। जब हम सोसाइटी पढ़ते हैं, है ना, तो पूर्व मध्यकाल में जो सामंतवाद हमने बताया था आपको, पूर्व मध्यकाल में जो अर्थव्यवस्था मैंने बताई थी, सामंतवाद जब पढ़ाया मैंने आपको, भी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मतलब इस क्लास के शुरू होने के पहले वही सब क्लास चल रहा था। तो वहां से आगे कनेक्ट करते हैं कि पूरे तुर्कों को एक यूनिट माना जाता है किताब में। तुर्कों का जो शासन है लगभग 300 वर्षों का, इसको पूरा एक यूनिट माना जाता है। तुर्कों का जहां जहां नियंत्रण था उन उन क्षेत्रों की बात होती है। सल्तनत काल में समाज और अर्थव्यवस्था, पहले हम समाज पढ़ते थे तो वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, महिलाओं की दशा, छुआछूत, दास प्रथा, इन सब पहलू की बात करते थे हम। अभी भी इन सब पहलू की बात करेंगे, बट अब शुरुआत, जैसे चूंकि धर्म का प्रभाव है, शासक वर्ग जो इस्लाम धर्म को मानने वाला है, तो एक परिचय ऐसा हो जाता है कि धर्म के आधार पर देखा जाए तो जो मुख्य आबादी है हिंदुओं और इस्लाम मानने वालों की है, हिंदू धर्म और इस्लाम मानने वालों की है। इसके बाद हमें जैन धर्म तथा कुछ और भी छोटे मोटे संप्रदाय उप संप्रदायों की हमें जानकारी मिलती है समाज। इस्लाम के भीतर सामाजिक विभाजन देखा जाए, इस्लाम वैसे तो समानता की बात करता है, बट उसमें भी यहां एक सामाजिक विभाजन दिखेगा। अशराफ और अजलाफ करके दो तरह के वर्ग होंगे। जो विदेशी मुस्लिम हैं, खास करके अफगानिस्तान से आए हुए, ईरान से आए हुए, कुछ मध्य एशिया से आए हुए, वो अपने आप को अलग मानते थे, मानते हैं अभी भी। थोड़ा बहुत जब आइडिया आपको लगेगा कहीं पर, तो वो थोड़ा अपने आप को अलग, जैसे कोई शासक वर्ग रहा है मान लो, है ना, तो वो उसके अंदर वो फीलिंग रहती है आज भी, शासक हो या ना हो। ठीक है, चूंकि वो चला आ रहा है उस तरह से घराना उनका जो है अपना, है ना, राजवंश। कुछ भारतीय मुसलमान भी जो उच्च जाति वाले थे, वो सब थोड़ा उनका एक अलग पहचान थी, अलग रुतबा था। जो निम्न वर्गीय व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम को अपनाया था स्वेच्छा से या डर कर या प्रभाव में आकर के सूफी संतों के, मतलब ऐसा नहीं था कि भाई मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं तो अलग अलग अदा कर रहे हैं, बट उनमें बहुत ज्यादा कोई खान पान या वैवाहिक संबंध वगैरह दिखाई, तो इस्लाम में भी एक भेदभाव मानने वालों में दिखता है। सैद्धांतिक तौर पे तो इस्लाम के भीतर इस तरह की बात नहीं थी, ठीक है, क्योंकि भाई एक जैसे व्यवहार की बात ही की गई सारी गतिविधियों में, बट व्यवहार में वहां पर भी डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं। हिंदू समाज जैसा था वैसा ही था, महिलाओं की दशा दोनों ही समाज में अच्छी नहीं थी। बहुविवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह
दोनों समाज में था। हिंदू समाज में सती प्रथा, जौहर प्रथा जैसी चीजें भी प्रचलित थी, है ना, कुर्तियां भी प्रचलित थी। तो शिक्षा में देखेंगे हम, इस्लामिक शिक्षा केंद्र कुछ बनेंगे, मदरसा मकतब, बाकी पुरानी व्यवस्था ही चलती रहेगी जो मैंने बताया था आपको। भाषा में कुछ नई भाषाएं आएंगी, स्थापत्य में, यानी एक बदलाव भी तो होगा ही होगा। मध्य एशिया अरब देश में प्रचलित तमाम बहुत सारी विशेषताएं भारतीय समाज में भी शासक वर्ग के माध्यम से, इस्लाम मानने वालों के माध्यम से धीरे धीरे भारतीय समाज में वो पिछले 700-800 वर्षों में समाहित होती चली गई हैं वो। ठीक है, लिखिए आप जरा समाज के बारे में, सल्तनतकालीन समाज। सल्तनतकालीन समाज में पहला पॉइंट लिखें आप, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुसंख्यक आबादी हिंदू धर्म हिंदू धर्म को मानने वालों की थी। और इसके पश्चात इस्लाम धर्म को में लिखें, इस्लाम धर्म को, इसके साथ साथ जैन संप्रदाय, एवं कुछ अन्य संप्रदायों का भी उल्लेख मिलता है। जैन संप्रदाय एवं कुछ अन्य संप्रदायों का भी उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट लिखें, हिंदू समाज पहले की तरह ही वर्ण एवं जाति में विभाजित हिंदू समाज पहले की तरह ही वर्ण एवं जाति में विभाजित, कॉमा देकर लिखें आप, छुआछूत, दास प्रथा इत्यादि का प्रचलन अगला पॉइंट लिखें, देखें सल्तनत काल में इस्लाम के अनुयायियों में भी सामाजिक भेदभाव दिखाई पड़ते हैं, देखे जा सकते हैं। एक तरफ उच्च वर्गीय मुसलमान जिसमें ईरान, मध्य एशिया, अफगानिस्तान के मुसलमान थे, इन्हें अशराफ कहते थे,
अशराफ कहते थे। दूसरी तरफ इन्हें अशराफ कहते थे, दूसरी तरफ निम्न वर्गीय मुसलमान ब्रैकेट में लिख लें मुख्यतः भारत के निम्न वर्गीय लोगों का निम्न वर्गीय लोगों के द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाने वाले ठीक है बैकेट क्लोज कर दिएगा। ये ना अलग अलग रीजन है, एक तो शासक वर्ग का दबाव और डर से भी लोग धर्म को अपना लेते थे। सूफी संतों के बारे में पढ़ेंगे हम, उनके प्रेम स्नेह कभी कभी धर्मांतरण की घटनाएं उनके द्वारा जानबूझ के भी की गई हैं, बट उनके व्यवहार के कारण, उपदेश के कारण, प्रेम के कारण, स्नेहवश भी लोग धर्म को अपनाते थे। हिंदू समाज में जाति प्रथा और छुआछूत को लेकर जो एक सामाजिक दूरियां थी उसके कारण भी कई बार लोग धर्म को अपनाते थे। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। भारत में इस्लाम मानने वालों की जो मैक्सिमम आबादी है यहीं के लोग हैं ठीक है, जो अलग अलग दौर में धर्म को अपनाते रहे हैं, है ना। तो दूसरी तरफ निम्न वर्गीय जो मानने वाले लोग हैं, है ना, कौन लोग थे उनके बारे में बता दिया। देखिए इन्हें अजलाफ कहते थे, इन्हें अजलाफ कहते थे अशराफ और अजलाफ कहते थे। लेकिन दोनों वर्गों के बीच वैवाहिक संबंधों मेलजोल के यदा कदा ही साक्ष्य मिलते हैं। वैवाहिक संबंधों एवं मेलजोल के यदा कदा ही साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यदा कदा ही साक्ष्य मिलते हैं। आगे लिखें, दोनों ही समाज में महिलाओं की दशा अच्छी नहीं थी, पर्दा प्रथा बाल विवाह बहु विवाह इत्यादि का प्रचलन था। प्रचलन था इसे में लिखें, सती प्रथा, जौहर प्रथा, के साक्ष्य भी हिंदू समाज में मिलते हैं। सती प्रथा, जौहर प्रथा के साक्ष्य भी हिंदू समाज में मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं। यहां पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर जो सामाजिक कुरूतियां हैं उसका संबंध उच्च वर्गों से अधिक है। जो निम्न वर्गीय महिलाएं हैं, चाहे हिंदू समाज में हो, इस्लामिक समाज में हो, मेहनत मजदूरी करती हैं वो, और जो मेहनत मजदूरी कर रही हैं उनकी कम से कम आर्थिक दशा थोड़ी बेहतर तो है ही इनकी तुलना में। एक फ्रीडम है उनके पास कम से कम काम करने का, बाहर जाने आने का, है ना। ये सब जो कुरूतियों का संबंध समाज के उच्च वर्गों से अधिक है, आम लोगों से नहीं।
जो निम्न वर्गीय महिलाएं होती हैं वो कुछ ना कुछ पशुपालन या खेती वगैरह में या सिल्क में हाथ बटाती हैं, तो निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो या कहीं आने जाने का फ्रीडम हो, उनमें बेहतर होता है इनकी तुलना में। ये हमेशा का कॉन्सेप्ट है ये, मतलब ऐसा नहीं कि यहीं पर लिखना है हमें। सेंसेन ऋषि में भी मैंने बताया था कि गुरुतियों का संबंध थोड़ा उच्च वर्ग से ज्यादा होता है। हाँ, कुछ जो जैसे मान लो शासक वर्ग की महिलाएं हैं, तो वो तो आम महिला नहीं है। जैसे मान लो रजिया सुल्तान ही बन गई थी, ठीक है, शासक वर्ग की महिलाओं की स्थिति ऑब्वियस है तुलनात्मक रूप से बेहतर होगी। या जमींदार परिवार की महिलाएं हैं, चाहे घर के भीतर ही हैं वो, पर्दा प्रथा चार दीवारी के भीतर हैं, सती की उनसे अपेक्षा की जा रही है, बट तुलनात्मक रूप से उनका जीवन भी बेहतर हो सकता है और भी कई मामलों में, है ना। तो ये एक समझने वाला नजरिया होता है हमारा, जो रखना होता है ना। देखिए आप, दोनों ही समाज में दास प्रथा का प्रचलन हिंदू समाज में, दासों को कृषि कार्य में लगाए जाने का उल्लेख, वहीं इस्लामिक समाज में दो प्रकार के दासों की जानकारी मिलती है। वहीं इस्लामिक समाज में दो प्रकार के दासों की जानकारी मिलती है। शाही दास जिन्हें बंदा कहते थे, ठीक है, लिखे इन्हें सेना, उच्च पदों, इत्यादि क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता था। शिल्पियों एवं सेवक के रूप में भी कार्य करते थे, ठीक है। लेकिन शाही दास हो गया, आम दास, सामान्य दास जिन्हें बुर्दा कहते थे, बुर्दा, बुर्दा, इनका उपयोग घरेलू कार्यों के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में भी किया जाता था। घरेलू कार्यों के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में भी किया जाता था, ठीक है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, तो इनके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। ऐसे ही जैसे अलाउद्दीन खिलजी का एक आपने पढ़ा होगा, मलिक काफूर के बारे में हमने बताया था दक्षिण भारतीय अभियान के संदर्भ में, वो भी दास ही था। और भी कभी किताब पढ़ोगे, जफर खां, उल्लू खां, नुसरत खां, सब अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत सारे उसके योग्य सेनापति थे, सब दास थे। बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां उन्हें सौंपी जाती थी, है ना। तो राजनैतिक रूप से जो शाही दास थे उनकी तो बड़ी भूमिका दिखाई पड़ती है हमें,
सैनिक के रूप में, शिल्पियों के रूप में, शासक के रूप में, मंत्री के रूप में, सेनापति के रूप में, है ना उनकी भूमिका। तो दास के साथ साथ दासियों का भी उल्लेख मिलता है। देख लें आप, दास के साथ साथ दासियों का भी उल्लेख मिलता है। दासियों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। प्रायः इनका उपयोग घरेलू सेवक के रूप में ही किया जाता था। प्रायः इनका उपयोग घरेलू सेवक के रूप में ही किया जाता था, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सल्तनत कालीन सामाजिक दशा, ठीक है। हिंदू समाज का पहले वाला ही कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा। इस्लामिक समाज में जो जो चीजें जुड़ी हैं वो हम देख रहे हैं साथ साथ। जहां सल्तनत की सत्ता, वहां ये सब सिस्टम लागू हो रहे हैं। आगे लिखे आप देखें, शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें, तो हिंदू शिक्षा केंद्र पहले की तरह ही संचालित होते थे। पहले की तरह ही संचालित होते थे जो हमने पढ़ा है, जैसा प्राचीन काल में, है ना, वो सारे कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहे थे। हालांकि बड़े बड़े विश्वविद्यालय अब नहीं थे, कोई नालंदा विक्रमशिला जैसे बड़े विश्वविद्यालय आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब सल्तनत वाले क्षेत्र में बहुत कम उच्च शिक्षा के केंद्र दिखेंगे आपको, ठीक है। ये एक नुकसान है सल्तनत के पहले, कम से कम नालंदा विक्रमशिला या और भी शिक्षा के केंद्र थे। लेकिन शिक्षा के विषय तौर तरीके सब पहले की तरह ही प्रचलित रहेंगे। इसी में लिखें, इस्लामिक शिक्षा केंद्रों के रूप में मकतब एवं मदरसा का उल्लेख मिलता है। इस्लामिक शिक्षा केंद्र के रूप में मकतब, मकतब एवं मदरसा का उल्लेख मिलता है। मकतब प्राथमिक शिक्षा केंद्र थे, तथा मदरसा उच्च शिक्षा केंद्र। ठीक है, इसी में लिखें, सल्तनत कालीन कुछ शासकों के द्वारा कुछ शासकों के द्वारा उच्च शिक्षा केंद्रों की स्थापना और शैक्षणिक केंद्रों को अनुदान दिए जाने के उल्लेख मिलते हैं, और शैक्षणिक केंद्रों को अनुदान दिए जाने के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, अनुदान दिए जाने के उल्लेख मिलते हैं।
जैसे इल्तुतमिश है मदरसा की स्थापना करेगा, फिरोज शाह तुगलक है मदरसा की स्थापना, पर कोई भी शासक किसी हिंदू शिक्षा केंद्र की स्थापना या उस तरह से अनुदान, एक मोहम्मद बिन तुगलक अपवाद है, ठीक है, तो इसका भी एक नुकसान उठाना पड़ेगा जो पहले वाले शिक्षा केंद्र थे उसको। ये तो कोई नया शिक्षा केंद्र की स्थापना नहीं हो रही है, पुराने शिक्षा केंद्र जैसे विक्रमशिला, ठीक है, नालंदा, ये सब आक्रमणकारियों के कारण ही नष्ट कर दिए गए थे, ठीक है। और थोड़ा बहुत अंकों का ज्ञान, कुछ साहित्य का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, धर्म दर्शन का ज्ञान, ठीक है, और जो कुछ विधाएं थी, मतलब खेती पशुपालन वगैरह, ठीक है, ये सब चली आ रही थी शिक्षा केंद्र के रूप में, जो छोटे मोटे शिक्षा केंद्र थे। कोई बड़े शिक्षा केंद्र नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ये नुकसान यहां पर भी, जैसे अंग्रेजों के आने के बाद भी हुआ था, वैसे तुर्कों के आने के बाद भी जो पहले वाले शिक्षा केंद्र थे उनको नुकसान होगा। आगे लिखे आप, लिखें कि दिल्ली सल्तनत में कुछ नए भाषाओं का प्रचलन, लिखें प्रशासनिक भाषा के रूप में फारसी का प्रचलन, फारसी का प्रचलन तथा न्यायिक कार्यों में अरबी का प्रचलन, न्यायिक कार्यों में अरबी का प्रचलन, ठीक है। इसी में लिखे सल्तनत काल में ही एक नई भाषा के रूप में उर्दू की उत्पत्ति हुई, एक नई भाषा के रूप में उर्दू की उत्पत्ति हुई, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लें आप, आम लोगों के बोलचाल के भाषा के रूप में, लिखे इन भाषाओं के अतिरिक्त अतिरिक्त संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास जारी रहा, ठीक है, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास जारी रहा, हालांकि इन भाषाओं को राजकीय संरक्षण नहीं मिला, ठीक है, राजकीय संरक्षण नहीं मिला। आगे लिख लें आप, खान पान, मुख्यतः पूर्ववर्ती काल की तरह ही कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन होंगे, मांसाहार का प्रचलन शहरों में बढ़ेगा, क्योंकि शासक वर्ग शहरों में रहता था उस समय, ये जो आक्रमणकारी थे, है ना, कुछ थोड़े बहुत तौर तरीके बदलेंगे, मध्य एशियाई, ईरानी कुछ तरीके भारत में प्रचलित होंगे, है ना, बट खान पान शाकाहार एवं मांसाहार दोनों है, इन थ्योरी देखा जाए, है ना। इसी में लिखें शहरों में
कॉमा लेके लिखेंगे आप, शहरों में अपेक्षाकृत उन्नत आवासीय संरचना के साथ संरचना के साक्ष। नेक्स्ट लिखेंगे आप, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय समाज में इस्लाम का प्रसार जो धर्म पहले से है उसमें क्या देखते हैं कि इस्लाम का प्रसार सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इस्लाम धर्म मानने वालों का संख्या बढ़ेगी, प्रसार होगा। शासक और हमने बताया आपको सूफी संतों के कारण, ठीक है। आगे लिखे आप, स्थापत्य के क्षेत्र में भी कुछ नए परिवर्तन जैसे मदरसा, मकबरा, महल इत्यादि का निर्माण, इसकी बात अलग से करेंगे भी हम, ठीक है। स्थापत्य की बात अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं आपसे अलग से। जैसा हमने पहले दिन क्लास में बताया था आपको कि देखो सल्तनत काल में राजनीतिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास का ज्यादा महत्व है, सामाजिक इतिहास आर्थिक इतिहास का उतना नहीं। फिर भी सामाजिक गतिविधियों से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें हमें उसका ध्यान एक स्ट्रक्चर रख के चलना है हमें, तो वो स्ट्रक्चर हमने बना लिया। सतीश चंद्रा वाली किताब मैंडेटरी है आपके लिए पढ़ना, उसमें एक ही चैप्टर में प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों का जिक्र है। एक ढांचा बनाने के बाद उसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार सोसाइटी पे। इकोनॉमी में लिखें आप अर्थव्यवस्था, सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में लिखें आप। देखो कृषि तो जैसा पूर्व मध्यकाल में था वैसा ही था, और ग्रामीण क्षेत्र में सामंतवादी ढांचा था, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी किसी न किसी रूप में सामंतवादी ढांचा था। शहरों में वो ढांचा उतना प्रभावी नहीं था, ठीक है, शहरों में वो ढांचा उतना प्रभावी नहीं था। और यदि सल्तनत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चार तरह की भूमि दिखेगी आपको, एक खालसा, एकता, सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो राज्य सल्तनत की अधीनता मान लेते थे, ठीक है, जो स्वायत्त राज्य होते थे अधीनता स्वीकार करते थे, और शासक के द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी राजस्व मुक्त, जैसे हमने बताया था आपको याद होगा इनाम, मिल्क, वक्फ, इदरार, ऐसे करके अलग अलग भूमि होती थी, है ना। सल्तनत के दृष्टिकोण से आपको ऐसे दिखेगा जमीन, ठीक है। ओवरऑल दूसरे नजरिए से देखेंगे आप, खास करके ग्रामीण भारत की बात करें सल्तनत काल क्षेत्र में हम, तो मुख्यतः तीन तरह के वर्ग दिखेंगे। एक जो खूब जमीन, बड़े जमीन के मालिक हैं, जमींदार। एक वैसे लोग हैं जो जमीन के मालिक हैं, अपनी जमीन पर खेती भी करते हैं। और एक बड़ी आबादी आपको मिलेगी भूमिहीन श्रमिकों की, कारीगरों की, ग्रामीण समाज में। ग्रामीण भारत को देखें हम तो एक कुछ लोग वो हैं जिनके पास बहुत जमीन है, जिन्हें जमींदार कहते हैं, उसी में कोई खुद पर मुकदम भी है। कुछ लोग जमीन के मालिक तो हैं, अपनी जमीन पर खेती भी करते हैं, मजदूरों से खेती भी कराते हैं। और एक बड़ी आबादी वैसी है जो मजदूरों पर, श्रमिक, मतलब भूमि पर श्रमिक के रूप में खेती करती है। तो
भूमि पर नियंत्रण को दो तरह से देखा जाता है, सल्तनत के दृष्टिकोण से और जो पूर्व प्रचलित व्यवस्था है उस दृष्टिकोण से, खास करके ग्रामीण भारत में। यह समझने के लिए है, इसके लिखने की नौबत नहीं आएगी आपको, लेकिन एक समझ रखनी पड़ेगी हमें ना। लिख लीजिए आप जरा इसको। देखिए, सल्तनत के दृष्टिकोण से भूमि का चार भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। खालसा, कौमा एकता, ठीक है, खालसा एकता, कौमा स्वायत्त राज्य, एवं सुल्तान के द्वारा अनुदान में दी गई भूमि। अनुदान में दी गई भूमि जैसे लिख लीजिए आप, इनाम, वक्फ इत्यादि। इनाम, वक्फ इत्यादि, है ना। इसी में लिखें अगला पॉइंट, पूर्व प्रचलित भूमि आधारित व्यवस्था को देखें तो ग्रामीण भारत में बड़े बड़े जमींदारों जमींदारों कौमा मध्यम श्रेणी के भूमिपति तथा भूमिहीन श्रमिकों की उपस्थिति देख सकते हैं। सल्तनत क्या कर रहा है, चाहे एकता हो या खालसा हो, इनसे रेवेन्यू कलेक्ट, चाहे स्वायत्त राज्य हो, एक इनाम मिल्क वगैरह को छोड़ के बाकी जगहों से सल्तनत का काम है रेवेन्यू। ये सारी ताकत, सारी व्यवस्था, दबाव रेवेन्यू कलेक्शन के लिए है और शासक के रूप में हमें स्वीकार्य करो। एक व्यवस्था यहां प्रचलित थी और एक व्यवस्था सल्तनत के आने के बाद, तो दोनों जो व्यवस्था है भूमि को लेकर के, तो पहली वाली व्यवस्था थोड़ी ताकतवर व्यवस्था है, भी सेना लड़ने को लेकर के नए नए तरीके हैं उनके पास, है ना, तो वो व्यवस्था में यहां पे दिखाई पड़ती है। आगे लिखे आप, कृषि के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे सिंचाई के लिए ईरानी रहट का प्रयोग ठीक है, सकिया भी कहते थे रहट को, यह पशु शक्ति के द्वारा संचालित होती थी। लिख लें ब्रैकेट में, पशु शक्ति के द्वारा संचालित। ठीक है, ईरानी रहट का प्रयोग पशु शक्ति के द्वारा संचालित
सल्तनत काल में कृषि के क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन भी देखते हैं। जैसे सिंचाई के लिए इसमें क्या होता था कि आप ऐसे चक्र चक्र जैसा बना होता है और उसमें चमड़े के थैले बने होते हैं, आप तालाब से या कोई बहुत गहरा कुआं हो उससे आप कम समय में बहुत ज्यादा पानी निकाल करके सिंचाई। अब सिंचाई का नॉर्मल एक तरीका क्या हुआ कि भाई आप कुआं से पानी निकाल रहे हैं, कोई एक व्यक्ति पानी निकाल रहा है बाल्टी से या किसी थैले में और फिर उसे सिंचाई कर रहे हैं, एक तरीका ये हो गया मान लो, है ना, ठीक है। एक तरीका ये हो गया आपका सिंचाई का कि थोड़ा बहुत पता नहीं आप में से किसी को आइडिया है या नहीं है, जैसे मान लो ये आपका कुआं है, ठीक है, और ऐसे एक डंडा सा लगा दिया गया, बना दिया गया, नीचे यहां मजबूत सा कुछ बेस दे दिया गया मिट्टी का पत्थर का, है ना, और इसमें ही रस्सा और यहां बाल्टी, ठीक है, और फिर इसको ऐसे खींच करके यहां लाना है। इसमें चूंकि वजन ज्यादा होता है यहां पे नीचे, बस आप नीचे लाइए और उसके बाद आप पानी जैसे वो पूरा हो आप उसे छोड़ दीजिए, आप ठीक, वो पानी अपने आप बाहर लेकर के निकाल देता है वो कम ऊर्जा में। इसे ढेंकुल या लाट भी कहते हैं कई क्षेत्रों में, ढेंकुल लाट अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये भी पुराना तरीका है जो प्रचलित रहा है, कुएं से पानी निकालना, बाढ़ के पानी से सिंचाई, बारिश के पानी से। अब इसी में क्या हुआ, एक चक्र पूरा बना रहेगा, इसमें बहुत सारे थैले होंगे, ये तरीका भी भारत में प्रचलित था लेकिन मानव के द्वारा खींचा जाता था, ईरान में पशुओं के द्वारा, इसको अर्घट कहते थे, पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रचलन में था। तो पशु शक्ति के द्वारा और चमड़े के थैले का प्रयोग तुर्कों के आने के बाद ईरान में प्रचलित था ये। तो भी ऑब्वियस है, जानवरों में शक्ति तो अधिक होती है इंसानों की तुलना में, पशुओं में शक्ति अधिक होती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी निकाल सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे सिंचाई के क्षेत्र में सकिया या ईरानी रहट का प्रयोग। समझ में आ रही बात, कौमा देखे लिखे आप, नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण ब्रैकेट में लिख ले सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जीएसटी के द्वारा, एग्जाम में जीएसटी मत लिखिएगा, है ना, सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, ठीक है। और सबसे ज्यादा नहर किसने बनवाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने, लगभग 11 नहर। कौन सा कर लगाया था उसने, हक्के शर्व, उपज का कितना हिस्सा होता था, 1/10 हिस्सा होता था। तुम्हें सब याद है, नहीं याद है, मुझे तो लगता है तुम्हें सब याद है, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक, है ना, और आगे लिखे आप जरा कौमा देख, मतलब अगला पॉइंट लिखें, कृषि के क्षेत्र में ही लिखें, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फलों की खेती को बढ़ावा, फलों की खेती को बढ़ावा, फल यहां पहले से भी हैं बट उनके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, जैसे 1200 बगीचे उसने लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, है ना, बढ़ावा कौमा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए शस्यावर्तन, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए शस्यावर्तन या क्रॉप रोटेशन, फसलों की अदला बदली का सुझाव ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट्स केवल देख रहे हैं हम जो थोड़े बहुत बदलाव के संकेत हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि फसलों की अदला बदली हम नहीं कर देते, बट शासक के द्वारा सुझाव दिया जा रहा है।
एक इंफॉर्मेशन के रूप में रहेगा आपके पास। तो कृषि से संबंधित कुछ जानकारी हो गई। अगला पॉइंट लिखें, शिल्प के क्षेत्र में भी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। इसे में लिखें, शहरी शासक वर्ग तथा आयात निर्यात के कारण शिल्पों की मांग बढ़ी। लेकिन धातु, कपड़ा, हथियार, नौ परिवहन, विलासिता संबंधी वस्तुओं, का उत्पादन बढ़ा। अगला पॉइंट लिखें, तुर्कों के आगमन के पश्चात धागे के निर्माण के लिए तकली के साथ साथ ईरानी चरखे का भी प्रचलन हुआ। चरखा जो है ईरान से आया था, तुर्कों के साथ जो गांधी जी चरखा काटा कर बैठ के चलाया करते थे, तकली था चरखा, इससे ना धागे का अधिक निर्माण होगा तो कपड़ों का निर्माण भी तुलनात्मक रूप से बढ़ेगा। इसके बाद धागे के निर्माण के लिए मशीन ही आएंगे, चरखों का ही डिजाइन बदलता रहेगा, इसके बाद मशीन ही आएगा कपड़ा निर्माण के क्षेत्र में अंग्रेजों के आने के बाद। ठीक है, इसी में लिखें आप, रुई को साफ करने के लिए धनुक का प्रचलन अभी पुराने समय में, या कोई जो आप देखोगे जहां ये गद्दा या पुराने तोशक रजाइयां वगैरह बनती हैं रुई से, वहां देखोगे आप तो अक्सर वो धुनने वाला एक दिख जाएगा आपको। ठीक है ना, जो रुई को साफ करता है ताकि ठीक से उसको फिर से तैयार करता है, आप तोशक बनवा रहे हो या रजाइयां बनवा रहे हैं उसके अंदर वो फिल करने के लिए, है ना। तो धनुक का प्रचलन, कौमा कागज का बड़े पैमाने पर निर्माण, तुर्कों के आने के बाद थोड़ा बहुत ज्ञान था कागज का, बट बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू हो गया। इससे इतिहास लेखन का भी फर्क पड़ा, चीजें लिखी जाने लगी, चित्रकला पे फर्क पड़ेगा, कागज से इतिहास लेखन और चित्रकला दोनों पे फर्क पड़ेगा, हम देखेंगे ना। इसी में लिखें आप, आसवन विधि से शराब का निर्माण, ठीक है,
बर्तनों पर कलई, बर्तनों पर कलई, एक बर्तन है उस पर दूसरे धातु का कोट, जैसे जस्ता का कोट बर्तन के भीतर वाले हिस्से पे या बाहर वाले हिस्से पे है ना, तो कलई नामक शिल्प है ना। लिखे जिल्द साजी, जिल्द साजी की कला इत्यादि प्रचलित हुई। ठीक है, जो किताब वगैरह पे कवर लगाते हैं है ना, वो सब कला भी प्रचलित हुई इस समय। इसी में लिखे सैनिक क्षेत्र में सैनिक क्षेत्र में चमड़े का जिन, चमड़े का जिन घुड़सवारी में जिन रकाब और घोड़े की नाल बंदी, इन तीनों का अपना एक रोल होता है। ठीक है, घुड़सवारी में क्योंकि तुर्कों की सफलता का एक कारण था उनकी घुड़सवार सेना और हल्के तलवार का उपयोग है ना यहाँ पे, और थोड़ी बहुत रणनीति होती थी उनकी है ना। तो सैनिक क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग है ना, कि जो शिल्प है उसमें सैनिक क्षेत्र में जिन रकाब, लिखे रकाब एवं घोड़े की नाल बंदी, इत्यादि शिल्प लोकप्रिय हुआ। ठीक है, पहले भी था लेकिन पहले चमड़े का उपयोग नहीं होता था, चमड़े से ग्रिपिंग बहुत अच्छी बनती है, चमड़े को यहां पे अपवित्र माना जाता था, तुर्क चमड़े का उपयोग ज्यादा करते थे घोड़े पे बैठने के लिए, पैर फंसाने के लिए, जो घोड़े को खींचने के लिए आगे बढ़ाने के लिए है ना, जो भी चमड़े का आधिकारिक उपयोग, और जो घोड़े का खुर होता है वहां पे लोहे का एक नाल जिसे लंबे समय तक वो सुरक्षित रहे है ना, ये सब चीजें थी पहले से, लेकिन चमड़े का प्रयोग तुर्कों के आने के बाद शुरू हुआ। चमड़े का उपयोग जो है तुर्कों के आने के बाद, पहले दूसरे कपड़े वगैरह यूज किए जाते थे। ठीक है, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं था, घुड़सवार सेना को उतना महत्व तो नहीं दिया गया है, पर तुर्कों के आने के बाद फर्क पड़ गया। इससे तुर्कों ने जो भारतीय शासकों को हराया, पंजाब से बंगाल तक के क्षेत्र को जीता, उसमें एक कारण माना जाता है घुड़सवारी में उनकी दक्षता भारतीय शासकों की तुलना में, अच्छे घुड़सवार भी थे और इन सब चीजों को उपयोग करने के कारण उनकी ग्रिपिंग अच्छी बनती थी घुड़सवारी में। यहां आप कोई भी कपड़े वगैरह, सूती कपड़े वगैरह यूज कर रहे हो या कुछ भी आप यूज कर रहे हो, तो आप घुड़सवारी में ग्रिपिंग नहीं बना पाते थे उतनी बेहतर आप। दूसरा, तलवार चलाने में भी काफी वो निपुण थे, हल्के तलवार थे उनके, तो घुड़सवारी के साथ साथ तलवारबाजी में भी थोड़े बेहतर थे वो। सबसे बड़ी बात है चालाक थे वो, जो सफलता का कारण माना जाता है। जैसे भारतीय शासक एक बार लड़ने चले तुर्कों से, मान लो मोहम्मद गौरी हार गया तो पृथ्वीराज चौहान चले हरा दिया, तो गौरी जब भाग रहा है तो पृथ्वीराज चौहान पीछा नहीं करेंगे, तो भाई पीठ पे हम वार नहीं करते हैं। ठीक है, शत्रु के पीठ पर हम वार नहीं करते हैं, वरना फिर समाज को हम क्या मुंह दिखाएंगे हम। यहां परंपरा थी, मृत्यु के बाद कोई शहीद होकर घर पे आता था तो जो महिलाएं होती थी, जो वीरांगनाएं होती थी, ये देखती थी कि घाव पीठ पे तो नहीं है ना, मतलब पति के या बेटे के पीठ पे घाव तो नहीं लगा है कहीं, यानी पीठ दिखाकर तो नहीं भागा है कहीं। तो इस तरह की परंपरा थी उनके लिए, यह था कि यदि हार रहे हैं तो भागो, अधिक से अधिक जान बचाओ ताकि अगली बार फिर हम अटेम्प्ट लेंगे, और शत्रु हार रहा है तो उसको जितना नुकसान पहुंचाओ उसके पीठ पे वार करो, नुकसान पहुंचाओ, दांव पे चलना, मतलब जैसे मान लो एवक है, गोरी है, किसी से लड़ना है,
एक छोटा सा दस्ता 25-50 घुड़सवार का दस्ता आगे जाएगा। उन्हें पता था घुड़सवारी में अच्छे हैं वो, भारतीय सेना पीछा करेगी, वो भागता हुआ एकदम घुड़सवारी तेजी से वहां लेकर आएगा जहां वो लड़ना चाहते हैं। घात लगाकर बैठे और वो हमला, यहां सोच के विपरीत था कि घात लगा करके हम हमला करेंगे। पूर्व मध्यकाल जो राजपूत काल था आपका, ठीक है, वो थोड़ा अलग तरह का काल था, आमने सामने लड़ाई होनी चाहिए, सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सूर्यास्त के बाद ही हमला करेंगे वो, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले लड़ाई होगी, है ना। महाभारत वगैरह कभी आपने देखा होगा सीरियल, तो रणवीर ही बजाई जाती थी कि हाँ भाई अब शुरुआत हो जाए। शत्रु को सावधान कहा जाता था, भाई किसी के पास हथियार नहीं है, ठीक है हथियार उठा लो तुम पहले, है ना, मतलब रूल की बात होती थी। यहां पे तो बस हथियार नहीं होने चाहिए और हमला होगा। तो तुर्कों की सफलता में उनकी इस तरह की चालाकी, रणनीति, घुड़सवारी और तो और इधर सेना में हाथियों का ज्यादा महत्व था। अक्सर वो क्या करते थे, हाथी के आसपास कुछ ऐसे तीर वगैरह चलाते थे या कुछ ऐसे सामग्री वगैरह फेंकते थे जिससे आग लग जाए, मतलब आग लगने के बाद हाथी जो है अनियंत्रित होकर अपनी ही सेना को नुकसान, ठीक है, अपनी सेना को नुकसान हाथी। अब हाथी को कौन संभालेगा, हाथी अनियंत्रित हो जाए तो उसे कौन संभालेगा, ठीक है। तो ये सब रीजन रहा है तुर्कों की सफलता के। कभी आप किताब चूंकि पूरा पढ़ोगे तो उसमें गुजरता जाएगा। अब थोड़ा सा भी ना ये मोह मत रखिएगा कि मॉडर्न को ज्यादा पढ़ना है, मेडिवल को कम। जैसे मॉडर्न को आपने पूरी एक शिद्दत से पढ़ाई की, वैसे ही मेडिवल इंडिया को भी, प्राचीन भारत को भी, कि प्रारंभिक परीक्षा में इक्वल इंपॉर्टेंस है। ये चौथा साल है, इनफैक्ट ज्यादा ही महत्व है मध्यकाल को। और सोचो ना, इस बार भी 5 सवाल है मध्यकाल से, मॉडर्न इंडिया से 3 सवाल है। पिछले बार भी 5 सवाल थे, उसके पहले 7 या 8 सवाल थे मेडिवल इंडिया से। तो ये वाली बात ही खत्म, अब हमेशा के लिए इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। अब प्रारंभिक परीक्षा का भी तुरुल है ही, एंट्री पॉइंट है आपका। और अभी भी 5 में 3 सवाल तो बहुत आसानी से बन रहे हैं मेडिवल इंडिया के। पिछले बार भी हिस्ट्री में चुनौती प्राचीन भारत थी, 7 में 2 ही सवाल ठीक से बन रहे थे, 5 नहीं बन पा रहे थे, या 3 बनते आपसे 4 नहीं बनते, एक करंट का सवाल था बन जाता वो। इस बार भी एंशिएंट हिस्ट्री में ही कुछ चुनौती, कुछ कुछ किताबों उताबों के नाम ऐसे हैं, मेडिवल में भी है 1-2 नाम। तो मेडिवल अभी भी हर एक साल में देख रहा हूं 2-3 सवाल आसानी से बनने योग्य हैं। और पिछले 4-5-6 सालों से तो विजयनगर फिक्स हो गया है, 1 प्रश्न, कभी कभी 2 प्रश्न भी हैं। पिछले बार भी 1 प्रश्न था प्लस 1 ऑप्शन में विजयनगर का ऑप्शन था, इस बार भी 1 प्रश्न है प्लस 1 ऑप्शन में विजयनगर का भी 1 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन होते, उसमें 1 विजयनगर का ऑप्शन है। तो विजयनगर जब भी पढ़ेंगे एकदम उसको, मतलब पूरा एकदम, है ना, प्रसन्न चित्त होकर के, प्रभु आप पूरी तरह से समा जाना मेरे अंदर, है ना, ठीक है। पर कुछ चीजें तो ट्रेंड के रूप में भी देखती है ना। तो हमने क्या कहा था, पढ़ते चलना, जहां ट्रेंड है वहां थोड़ा बहुत खुद से भी फैलने में, पढ़ने में, यदि वो क्लिक कर गया तो आपके फेवर में जा रहा, नहीं क्लिक किया तो हम कौन सा बहुत कमजोर, हम तो रणनीति पे चल ही रहे हैं, पढ़ने की रणनीति पे, हम तो एक तरीके से पढ़ा रहे हैं इतिहास ना, चाहे ये बैच हो, थोड़ा बहुत अभी फोर्स, मतलब सुझाव में चेंज करता जा रहा हूं बैच दर बैच। जैसे पहले 1 साल चेंज हुआ पैटर्न, तो क्या पता अपवाद हो पैटर्न वो, दूसरा सेल आया तो अपवाद तो नहीं मान सकते, जब तीसरा साल आ गया तो हमने पिछले साल से कहा कि भाई अब ये अपवाद नहीं है। तो पिछले साल ये सब सिस्टम बना दिया था कि 3 साल लगातार आने का मतलब इसे अपवाद मत मानिए अब, और चीजों को पढ़ना शुरू कर दीजिए सभी लोग। अब रिस्क मत लीजिए कि यही पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे, बहुत लोगों के मन में रहता था, पढ़ाते सब थे बट हर स्टूडेंट यही पूछता था, सर इतना पढ़ने से काम चल जाएगा क्या, पिछले साल हमने बंद कर दिया कि नहीं काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप पूरा पढ़िए तभी आप, क्योंकि यही नहीं पता किसी भी खंड से, हो सकता है मेडिवल से ही 5 सवाल बन जाए आपके, 7 सवाल बन जाए, किससे बनेंगे सवाल ये कोई नहीं जानता है, बनते हर एक साल हैं।
4 साल तो मुझे यहाँ पढ़ाते हुए होंगे विजन आईएएस में पहले बैच से, चारों साल के रिकॉर्डेड क्लास पढ़े हुए, ठीक है। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ सुझाव समय समय पे चेंज करता रहता हूँ मैं, ज़्यादा इतिहास में चेंज की गुंजाइश नहीं है, बट थोड़ा बहुत पैटर्न को देख करके, जैसे कुछ पैटर्न को देखा है इस बार, है ना। इतिहास के उन खंडों को महत्व मिल रहा है जिन खंडों को सामान्यतः मुख्यधारा के इतिहास में महत्व नहीं दिया गया है, ये क्लियर है पैटर्न पिछले बार से और इस बार से भी। यानी जो एक स्वर उठ रहा था इतिहास में पिछले कई दशकों से, उसको अब एग्जाम में भी स्पेस मिलना। अब इस बार जब यूट्यूब पे एनालाइज करूंगा तो ये सब बात नहीं बोलूंगा मैं, पिछले बार भी हमने बोल दिया था बहुत सारी बातें, क्लास में तो बता सकता हूं मैं, है ना, क्योंकि ना बहुत पैनी निगाहें हैं, मतलब ठीक है क्या चीजें, मतलब अब चूंकि जो समझ में आ रही है बात साफ साफ दिख रहा है उसका प्रेजेंस, अब मैं और भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा हूं क्वेश्चन को, तो दिख रहा है मुझे प्रेजेंस। अब जब जो टीम आती है फिर वो चलती है, टीम इतनी जल्दी नहीं बदलती है, ठीक है। तो उस तरह के भी एंगल से मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं, मतलब कई तरह से देखने की कोशिश करता रहता हूं, ये एंगल, किताबों का दृष्टिकोण, एनसीईआरटी का दृष्टिकोण, सब देख करके कि भाई ठीक, उसमें भी क्योंकि रूल हमारा क्लियर है ना, हर टॉपिक की बेसिक बातें पढ़नी है, हम तो रिस्क ले ही नहीं रहे थे। हम जहां जहां जैसे विजयनगर को महत्व बार बार इतना मिलना, ठीक है अच्छी बात है, दक्षिण भारतीय इतिहास को एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। बट तो क्लियर है अब तो, वहां तो बहुत डेप्थ में भी जैसे हमने बुद्ध काल को पढ़ा है ना, वैसे ही विजयनगर भी पढ़ने की जरूरत है। अब अलग से उस पर अब 1.5 घंटे का वर्कआउट करने की, ठीक है, कि भाई अब जब क्वेश्चन आ ही रहा है तो उसको हम लोग हर तरह से घेरेबंदी की जाए उसकी भी, हम ताकि ये संतुष्टि रहे कि हाँ अब किसी से नहीं बनेगा, नहीं बना हमसे तो, जैसे बुद्ध वाले में यही है, किसी से नहीं बनेगा, आपसे नहीं बनेगा, तो जहां क्वेश्चन का ट्रेंड है वहां डेप्थ में चले जाइए। समझ में आ रही है स्ट्रेटजी ना, तो अब भी इतने मेच्योर हो रहे, धीरे धीरे ट्रेंड को देख रहे हैं आपके, हाँ अब कि लग रहा है कि हाँ यहां ट्रेंड है, मैं बता भी रहा हूं टॉपिक वाइज टॉपिक, पॉलिटिकल हिस्ट्री से 1 या 2 सवाल सल्तनत से फिक्स है, अभी चौथा साल है इस बार तो, और बनने वाले हैं हर एक साल सवाल है, तो ये सब अच्छी बात है ना, मतलब थोड़ा सुकून देता है कि बन जाएगा, सुकून देता है ना, बन जाएगा जहां, ठीक है बनेगा तो डाउट मत क्रिएट करो, वो सारे सवाल जो बन जा रहे हैं, नहीं बनेगा तब भी सुकून देगा, बस दूसरों से नहीं बनना चाहिए, ज्यादा सुकून देता है। आपसे गलती हुई और आपके पड़ोसी भी गलती करके आ गए एग्जाम में, आपकी खुशी दिखेगी चेहरे पे, पर आप सांत्वना दे रहे होगे उसे आप, कि मित्र कोई बात नहीं, होता है ऐसा एग्जाम में, देखो हमसे भी हुआ है ना, पर अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है, मेरा मित्र है तो मेरे साथ ही कम से कम। आपके दौर से बहुत ठीक तरीके से हम गुजरे हैं, है ना। बट ये तब था कि कोचिंग कल्चर नहीं था, दिल्ली विश्वविद्यालय वाले सारे हमारे बैचमेट्स वगैरह हम सब एग्जाम देते थे डीयू में जो थे, है ना, तो सब हाव भाव तो देखते थे कि क्या क्या मन में चलता रहता है। बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, आप एग्जाम की तैयारी जब करें तो बहुत सारे कचरे को दिमाग में मत रखिए, आप हर तरह की निगेटिव चीजों को हटाकर, कोई नोट्स मांगता है सार्वजनिक दुकान नहीं खोल देनी है, आप जाओ फटाफट जीरोस करा के लो और रख के जाओ, मतलब कुछ भी चीजों को, मतलब ये लड़ाई बहुत फ्रेश दिमाग और फ्रेश एनर्जी की है, बहुत सारी चीजें स्पॉट पे ही तय होती हैं, अपने आप को उस तरह से तैयार करना है इसमें, कुछ भी कूड़ा कबाड़ा लेके नहीं चलना है, एकदम अच्छे मन से, ताकि पूरा ही फोकस हमारा एग्जाम और अध्ययन पे रहे, बाकी सब चीजें आपको कमजोर कर देंगे इसमें। कल जैसे क्वेश्चन बता रहा था मैं आपको, अब कोई खुले दिमाग से जाएगा तो वो एलिमिनेट कर सकता था वहां पे, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, कैसे सॉल्व करें, मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो जो स्टेप्स वगैरह बता रहे हैं आपको उस पर काम करना है और रिजल्ट आएगा, थोड़ा सकारात्मक भी इस बार रहा है, आपने रिजल्ट देखा भी होगा,
तुलनात्मक रूप से हिंदी मीडियम में कुछ रिजल्ट सुधार दिख रहे हैं इस बार, 100 के अंदर भी कुछ लोग आए हैं इस बार, मतलब 50 के अंदर भी कुछ लोग आए हैं, पुराने लोग ही सही बट आए तो हैं, 3-1 सालों से वो लोग भी नहीं आ रहे थे मतलब, है ना, तो सुधार भी दिख रहा है उस तरह से रिजल्ट में। और अभी भी समस्या पीटी की लेकर की है, पीटी में ही लोग रुक जाते हैं, संख्या पीटी में बढ़ेगी तो फाइनल सिलेक्शन में भी संख्या बढ़ेगी। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय शिल्पों के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुआ, सैनिक क्षेत्र में जो बदलाव हुआ उसकी बात हमने की आपसे, ये सब शिल्प वाले बदलाव हैं। आगे लिखे आप व्यापार, व्यापार लिखें, पूर्व मध्यकाल की तुलना में, पूर्व मध्यकाल की तुलना में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का विकास अब जैसे देखो, पूर्व मध्यकाल में हमने बताया था बंद अर्थव्यवस्था है, खेती भी उपभोग के लिए, शिल्प भी उपभोग के लिए, व्यापार वगैरह ना के बराबर है, कुछ सीमावर्ती इलाकों को छोड़ दो तो आप, सिंध और तमिलनाडु बंगाल वगैरह से व्यापार तो हो रहे थे, केरल के तटों से भी बाहर से व्यापार हो रहा था, तटवर्ती इलाकों को छोड़ दें आप तो बंद अर्थव्यवस्था थे। अब शासक है, उसे रेवेन्यू चाहिए, तो बार बार अलग अलग गांवों पे, ग्रामीण क्षेत्रों पे वो दबाव हमला करेगा, फिर एक समझौता हो जाएगा स्थानीय जमींदारों के साथ, ठीक है भाई रेवेन्यू कलेक्ट करके हम इस अधिकारी को दे देंगे और वहां से सेंटर को भेज दिया जाएगा। जहां शासक होंगे वहां गैर कृषि कार्यों वाले बहुत सारे लोग होंगे, खाने पीने की व्यवस्था, भाई अनाज आएगा बाजार में, अब कपड़े चाहिए, कहीं कपड़ा उत्पादन हो रहा है उसका आयात निर्यात होगा, कुछ और भी जरूरतें हैं, है ना, तो ये सब चीजें दिखाई पड़ेंगी आपको। जैसे जैसे तुर्कों की सत्ता मतलब बृहत होती जाएगी, उसकी पकड़ बनती जाएगी, जितने बड़े भूभाग पे होगा आवागमन बेहतर होगा, संपर्क बेहतर होगा, इन सबसे आंतरिक व्यापार का भी विकास होगा, ठीक है, तो बाह्य एवं आंतरिक व्यापार का विकास दिखता है। आगे लिखें आप, बाह्य व्यापार में मध्य एवं पश्चिम एशिया तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ, पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, इसे में लिखे आप कि दक्षिण पूर्व एशिया से भी व्यापार के प्रमाण व्यापार का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट लिखें आप इसी में, पश्चिमी तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह लिखें, नाम लिख लीजिएगा लाहिरी बंदर, बंदरगाह का नाम है लाहिरी बंदर कौमा देवल, देवल, ठीक है, ये दोनों सिंध में पड़ता था, लाहिरी बंदर और देवल सिंध में पड़ता था, कौमा देखे लिखे आप खंभात, खंभात, फिर आप लिखें गोवा, गोवा, गोवा से भी व्यापार अच्छे होने लगे थे, भटकल, कर्नाटक में पड़ेगा ये भटकल, केरल में लिख लेंगे आप कालीकट एवं क्विलोन,
कालीकट एवं क्विलोन, ठीक है। लिख लिया आपने ये। अगला लिखे आप पूर्वी तट पर, सतगांव बंगाल में पड़ेगा ये, सतगांव आंध्र प्रदेश में दो बंदरगाह है, पुलिकट एवं मसूलीपट्टनम, पुलिकट एवं मसूलीपट्टनम। तमिलनाडु में लिख ले मायलापुर, 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 ठीक है। तो कुछ बंदरगाहों की भी हमें जानकारी मिल रही है ना। इसी में लिख लें आप निर्यात की प्रमुख वस्तुएं, कपड़ा, अनाज, मसाले इत्यादि। आयात की वस्तुओं में लिख लो आप प्रमुख में घोड़ा, घोड़ा, दास, शराब इत्यादि। सिक्कों के बारे में लिखो आप, तुर्कों के आने के पश्चात मुद्रा अर्थव्यवस्था का एक बड़े भूभाग पर प्रसार, ठीक है, मुद्रा अर्थव्यवस्था के बड़े भूभाग पर प्रसार। इसी में लिखो इल्तुतमिश मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक जहां लिखेंगे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ससगनी, शसगनी, ठीक है, सिक्के का नाम है ये। फिरोज शाह तुगलक ने सिक्कों को जारी किया, ठीक है, एक सांकेतिक मुद्रा जारी किया था, इल्तुतमिश के बारे में बता ही चुका हूं आपको, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। मेन सिक्का टंका और जीतल ही था। इसी में लिख लें आप कि जो प्रमुख सिक्का था या प्रमुख सिक्के थे टंका एवं जीतल, इसी में लिखे एक और पॉइंट, दांग एवं दिरहम, दांग एवं दिरहम कम मूल्य के तांबे के सिक्के थे। दांग एवं दिरहम कम मूल्य के तांबे के सिक्के थे। जैसे कभी पूछेगा ना दिरहम क्या होता था, दांग क्या था, जीतल, दांग, दिरहम ये सब तांबे के सिक्के, कम मूल्य के तांबे के सिक्के थे, ठीक है। नोट करके लिखें आप, मोहम्मद गौरी ने
देहली वाल नामक देहली वाल मोहम्मद गौरी ने देहली वाल नामक सिक्के जारी किए इस पर घुड़सवार एवं देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। तो पूर्व मध्यकाल में आपको याद होगा मुद्रा अर्थव्यवस्था लगभग गायब सा हो गया था। अब शहरी हैं, इन्हें वेतन देना है, चीजों को खरीदना है, ठीक है, तो भाई मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। तो मुद्रा अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बड़े भूभाग पे इसका प्रसार, हाँ, सिक्कों में नहीं, सुल्तान के चित्र नहीं होते थे सिक्कों पे। इस्लाम में चित्र जो है वर्जित माना गया है, ठीक है, तो इसलिए वो खतरा था, यदि वो सुल्तान से सुल्तान नहीं रहते हैं ना, ठीक है। आगे लिखें आप अगला पॉइंट। सल्तनत काल में नेक्स्ट, नहीं नोट में नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है। सल्तनत काल में फिर एक बार शहरों का विकास प्रारंभ हुआ। इसे तृतीय शहरीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तृतीय शहरीकरण भी कहते हैं। शासक शहरों में रह रहा है, उसकी सेना, उसके अधिकारी कर्मचारी, ठीक है, बहुत सारी इमारतों पे काम हो रहा है, शिल्प, बड़ी आबादी शहरों में रह रही है। अब तो एक तो ये कॉन्सेप्ट पता था, शासक वर्ग का शहरों में निवास, दूसरा शहर शिल्प का केंद्र है, व्यापार का केंद्र है, शहर आयात निर्यात का भी केंद्र बन रहा है, शहरों में बाजारों का विकास हो रहा है ना, धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी बन रहा है। तो विभिन्न कारणों से धीरे धीरे शहरों का विकास, तो पहला शहरीकरण हड़प्पा, दूसरा शहरीकरण बुद्धयुगीन पूर्व मध्यकाल में कमजोर पड़ गए, तीसरा शहरीकरण मुगल काल में इसका ज्यादा विकास होगा, अंग्रेजों के समय और विकास, ये सारे शहर बदले हुए रूप में आज भी हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो शहरीकरण आपको यहां पे दिखेगा, नोट करके फिर एक बार लिख लें आप। तुर्कों के आगमन के पश्चात पूर्व मध्यकालीन बंद अर्थव्यवस्था कमजोर हुआ। बंद अर्थव्यवस्था कमजोर हुआ, कभी कॉन्सेप्ट पीटी में आ सकता है। जैसे अब कृषि में भी क्या था कि केवल उपभोग नहीं, आपको राजस्व देना पड़ेगा और बाजार में ले जाके बेचना पड़ेगा, नगद में देना है, तो वो टूट गया खेती के क्षेत्र में। शिल्प में था कि तुम मेरे लिए उत्पादन करोगे, वो भी टूट गया, बाजार के लिए उत्पादन होने लगा। व्यापार लगभग बंद सा हो गया था, वो भी कमजोर पड़ गया, शहर आ गए। इन सबको देखोगे तो पूर्व मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और तुर्कों के दिन अर्थव्यवस्था में आपको एक व्यापक बदलाव, कॉन्सेप्ट के रूप में कभी क्वेश्चन आ जाए किसी तरह से लाइन, तो आप उसको एटलीस्ट लिंक कर पाओगे। आप मैक्सिमम चांसेस मान लीजिएगा अभी भी आपकी, ये ऑब्जेक्टिव में ही सवाल होंगे। नोट में एक पॉइंट और लिख लें आप, सल्तनत काल में व्यापार से संबंधित देशी एवं विदेशी विभिन्न वर्गों की जानकारी भी मिलती है।
देशी एवं विदेशी विभिन्न वर्गों की जानकारी मिलती है? ठीक है, कि जानकारी मिलती है, इसी में लिखे आप। विदेशी व्यापारियों में खुरासानी एवं ईरानी व्यापारियों का उल्लेख अधिक मिलता है। विदेशी व्यापारियों में खुरासानी एवं ईरानी व्यापारियों का अधिक उल्लेख मिलता है। तथा देशी व्यापारियों में मुल्तानी मुल्तानी कौमा शाह शाह, तो उस समय के शाह होते थे ना, वो पैसे का कारोबार, सूद का कारोबार बहुत करते थे। ब्रैकेट में लिख लें आप, पैसे के लेन देन का कारोबार के लिए प्रसिद्ध थे। मुल्तानी शाह, तो इसे में लिखे आप मारवाड़ी मारवाड़ी, जैसे हमने मारवाड़ी बोला कुछ चेहरे पे मुस्कुराहट मुझे दिख रही है, हैं? कुछ ज्यादा वाली मुस्कुराहट मुझे दिखी है ना, ठीक है। मारवाड़ी कमा बंजारे, ब्रैकेट में लिखे अनाज के व्यापारी, ठीक है, इत्यादि कर लीजिए आप, ठीक है। तो एक बार अभी कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले 7 साल पहले आ गया था, बंजारे कौन थे सल्तनत काल में, है ना, पूछा था बंजारा के बारे में, तो किताबों में भी एनसीईआरटी वगैरह में भी उल्लेख है इसका, ऐसे किसी न किसी रूप में अखबारों में भी कभी ना कभी न्यूज में रहते हैं। तो अलग अलग वर्गों के बारे में एक बार सर्राफ पूछा है, ठीक है। अभी एक व्यापारिक समुदाय जो पैसे के लेन देन का कारोबार करता है, बहुत न्यूज में रहा है लूटपाट को लेकर के, मुंबई में, गुजरात में, मालाबार में, है ना, तो वो सब भी मुगल काल के व्यापारी में उन सबका उल्लेख करेंगे हम लोग, है ना, पढ़ेंगे हम। तो ये सब कुछ व्यापारिक वर्ग हैं जो उस समय सक्रिय थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक बार कल्चर वाले खंड में, कि सल्तनत कालीन संस्कृति में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आप जरा स्थापत्य, ठीक है, आर्किटेक्चर, चित्रकला, संगीत, साहित्य और भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ठीक है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ये दो जो हिस्सा है आपका, स्थापत्य और ये मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। प्रारंभिक परीक्षा में तो रखता है ये सारे पॉइंट, मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो, और इसमें भी समझ लो आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक
ठीक है, ज्यादा महत्व रखता है। लेकिन हम लोग जरा एक बार अब बात करते हैं स्थापत्य के बारे में। देखिए आप, सल्तनतकालीन स्थापत्य, स्थापत्य तीन बातों का हमें इसमें ध्यान देना है। एक, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो ये इस्लामिक और इंडो क्या है, पहले इसको समझेंगे हम। दूसरा, हमें इंफॉर्मेशन, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाया, और अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया। इल्तुतमिश के समय क्या क्या बना, कुतुब मीनार को उसने पूरा करवाया, एक मदरसा, एक मकबरा, एक मस्जिद, नागौर में एक दरवाजा, बदायूं में एक मस्जिद, बदायूं में ईदगाह, मेहरौली जो दिल्ली में वहां पे एक सीढ़ीदार कुआं, गंधक की बावली। तो इल्तुतमिश ने क्या बनाया, है ना, इस तरह के इन्फॉर्मेशन बलबन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, उससे जुड़ी हुई कुछ भी और एक दो काम की बातें। इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट एक बार में सब बताता चला जाऊंगा, आपको नोट्स में लिखा हुआ है, वो उसको वैसे ही आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसी को फिर हम उसी को बेस बनाते हुए थोड़ी राइटिंग वाला एक फॉर्मेट में लिखा दूंगा आपको कि सल्तनत काल में स्थापत्य थे, यदि मेंस में सवाल आए तो आप कैसे राइटिंग करेंगे आप, ठीक है। तीन हिस्से हो गए इसके, है ना। तो राइटिंग चूंकि मैं लिखाता जाऊंगा, एक बार पहले फैक्चुअल बता देता हूं मैं आपको हैंडआउट्स के थ्रू, है ना, बट पहले जरा हम इस्लामिक स्थापत्य को समझ लें, फिर हम आते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। जब हम कहते हैं इस्लामिक स्थापत्य, है ना, मोटे तौर पे ये समझ लीजिए आप कि 7वीं सदी में, मतलब जो, और 8वीं सदी में अरब देशों में इस्लामिक स्थापत्य का जो विकास हुआ, जहां जहां इस्लाम का प्रसार हुआ वहां वहां ये विशेषताएं गई। पैगंबर साहब के बाद अलग अलग खलीफाओं का शासन रहा, जैसे उमैयद वंश, अब्बासिद वंश। अब्बासिद वंश का बहुत लंबे समय तक शासन रहा है, कई सदियों तक शासन रहा है, और ये पूरा ईरान, इराक, मध्य एशिया, इन सब इलाकों में प्रसार, इवन यूरोप के कुछ कुछ इलाकों में प्रसार, अफ्रीका के कुछ इलाकों में प्रसार। उसी दौर में अफगानिस्तान पे भी कब्जा हुआ, उसी दौर में हिंदुस्तान पे भी आक्रमण हुआ, सिंध पे जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण था, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके प्रसार हुआ, तो वहां पे जो इमारतें बनी, जैसे मस्जिद, मकबरा, ठीक है, ज्यादातर जो प्रेरणा मिली है पैगंबर साहब जहां बैठते थे, उपदेश देते थे, उन सब स्थलों को देखकर जैसे जैसे पैसा और समृद्धि आती गई, इमारतों का निर्माण, मकबरा जैसे, है ना, जहां व्यक्ति को दफनाया जाता है, मदरसा शिक्षा केंद्र हो गए, मस्जिद पूजा का स्थल, इबादत का स्थल हो गया, ठीक है। क्योंकि जो इबादत किया जाता है, कहीं भी कोई मस्जिद बनेगा आप देखोगे तो जो प्रार्थना होती है वो मक्का की तरफ ही देखोगे आप, काबा की तरफ ही प्रार्थना होती है। अफ्रीका में मस्जिद बनेगा तो लोग जो नमाज अदा करेंगे वो उधर ही अदा करेंगे, सिर उधर ही होगा, फेस उधर होगा। हिंदुस्तान में जितने भी मस्जिद प्रायः बनते हैं आप देखोगे तो पश्चिम की तरफ ही लोग नमाज सिर अदा करते हैं। वो मस्जिद में बना होता है चापाकार मेहराब, ठीक है, मतलब वो बताता है कि भाई आपको उधर ही उसी दिशा में नमाज अदा करनी है, आपको प्रार्थना करनी है आपको, ठीक है। तो मस्जिद बनेगा आपको, थोड़ा और समृद्ध होंगे तो किलेबंद बस्तियां, महल वगैरह, जैसे लाल किला, ये तो आगे की अवस्था है, तुगलकाबाद फोर्ट जैसे बना, ठीक है। इमारतों में खास करके जैसे छत होता है, इस तरह के फ्लैग छत हैं, या मंदिरों में शिखर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, मंदिरों में शिखर बनाए जा रहे हैं ना, यहां पे गुंबद बनाए जाएंगे, डोम बनाया जाएगा, ठीक है, मेहराब बनेंगे, मीनारें बनेंगी, है ना, ठीक है, ये सब चीजें बननी यहां पे आपको दिखाई पड़ेंगे आपको, है ना। तो ये सब इस्लामिक स्थापत्य की कुछ खास खास बातें हो गई कि इमारतें, उसमें क्या फीचर होंगे, अलंकरण कैसे होगा, उसमें कुरान की आयतों को,
ठीक है। ज्यामितीय पैटर्न, लतादार पत्तियां, ठीक है, ये सब अलंकरण का हिस्सा होगा। और इमारतों को जोड़ने के लिए चूना जिप्सम का गारा बनाया जाएगा। चूने का प्रयोग पहली बार इमारतों को जोड़ने के लिए किया जाएगा तुर्कों के आने के बाद भारत में, है ना। तुलनात्मक रूप से जो पत्थर वगैरह यूज होंगे थोड़े हल्के होंगे, भारत में जो उस समय मंदिरों में यूज हो रहे थोड़े भारी पत्थरों का यूज हो रहा था। तो ये सब बातें इस्लामिक स्थापत्य में दिखेंगी आपको। इसी में हम कहते हैं ना इंडियन स्थापत्य, तो स्तंभों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था हमारे स्थापत्य में, बीम का बहुत प्रयोग होता था, जालियां बनती थी, मूर्तियां बनाते थे हम, कलश कमल, दोनों विशेषताएं मिल जाएंगी तो उसको कहा जाएगा इंडो इस्लामिक इमारतों में। एक बार जरा इसी को लिख लेते हैं हम, इस्लामिक क्या है और इंडो क्या है इसमें, है ना। इस्लामिक स्थापत्य में लिखें आप मकबरा, मदरसा, किलेबंद महल, मस्जिद, इत्यादि। ठीक है, कोई भी इमारत बनेगी उसमें आपको मीनार, मेहराब, गुंबद, मीनार, मेहराब, गुंबद, ताजमहल की तस्वीर आपको याद हो तो उसके चारों कोनों पे देखोगे आप मीनार बना हुआ प्रायः इमारतों में, ठीक है। आपको कुतुब मीनार को छोड़ दीजिए आप अलग से, है ना, तो ऐसे ऑलमोस्ट आपको देखोगे मीनार की आकृति जो है आपको, ठीक है, ऊपर छतरी जैसा कुछ बना रहता है ना, और मेहराब आप देखोगे एक घोड़े की नाल वाले शेप में, घोड़े की नाल वाले शेप में, है ना, इस शेप के मेहराब आप देखोगे जो गैलरी वगैरह है या इमारतों के अलग अलग हिस्सों में मेहराब आपको दिख जाएंगे। और गुंबद आप देखोगे जैसे छत है तो इस वाले शेप में आप देखोगे आप, है ना। तो मीनार, मेहराब, गुंबद, गुंबद के भी कई डिजाइन हैं, ठीक है, डबल डोम है, बेस्ट गुंबद माना जाता है यदि प्याज के शेप का दिखे वो, कुछ ही जगह दिखेगा आपको हैदराबाद वगैरह में, ताजमहल में, है ना, बेस्ट डोम माना जाता है एकदम प्याज के शेप का, तो उसके लिए फिर कारीगर भी वैसे होने चाहिए, है ना। अंडरस्टैंडिंग के लिए है, रेखा चित्र आप अपने हिसाब से बनाइएगा, मेरी नकल ना करिएगा, मैं आपको केवल एक विजुअल इमेज देता हूं किसी भी चीज में, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं हाँ ये इस आकृति का है, इस आकृति का है ना, एक इमेज बन जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे हमसे कलाकार होंगे आप, और अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं आप यदि पूछा गया तो, तब थोड़ा बहुत इसमें इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं आप लोग, है ना, गूगल वगैरह का, ठीक है। और अपने नोट्स को भी, स्टडी मटेरियल को भी देखिए, उसमें सब बना हुआ है, अपने स्टडी मटेरियल में भी सारी चीजें बनी हुई हैं उसमें, मतलब रेखा चित्र के माध्यम से, इनफैक्ट बहुत अच्छा से बनाया गया, वो आप देख सकते हैं। इस्लामिक स्थापत्य का एक हिस्सा तो ये हो गया आपका, दूसरा हिस्सा है इसका अलंकरण, अलंकरण में जैसे हमने कहा सुलेखन, कैलीग्राफी, है ना, कुरान की आयतों को लिखना, है ना, कुरान में जो कही गई बातें उनको दीवारों पर या जो भी प्लेस तय किया जाए वहां पर लिखना, ठीक है, सुलेखन। वैसे तो अलंकरण को ही अरबेस्क भी कहते हैं, अलंकरण को अरबेस्क भी कहते हैं,
सुलेखन भी इसका हिस्सा आ जाता है, कभी कभी अरबेस्क अलग से मिलेगा आपको, जैसे ज्यामितीय पैटर्न, लतादार पत्तियां, ठीक है, कुछ चमकीले पत्थर वगैरह भी बहुत यूज किए जाएंगे अलंकरण में, है ना। मूर्तियां और चित्र नहीं बनेंगे, है ना, इस्लाम में दोनों वर्जित है ना, भाई आप मूर्ति और चित्र नहीं बना सकते हो, क्योंकि मतलब ये माना जाता है कि भाई आप जीवन दे नहीं सकते, तो फिर आपको बनाने का अधिकार, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वही जीवन दे सकता है, इसलिए आपको बनाना नहीं है ना। जैसे अकबर वगैरह दूसरे दृष्टिकोण का है, वो मूर्तियां भी बनाएंगे चित्र भी बनाएंगे, बोलेंगे ये बनाना इसलिए जरूरी है ताकि हमें ये पता चले समाज को कि भाई हम अल्लाह नहीं है, हम चूंकि उसको जीवन दे नहीं सकते हैं तो हम बना नहीं सकते हैं, ये दृष्टिकोण था। अकबर कहता था नहीं, बनाएंगे ताकि हमें इस बात का एहसास हो कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। तो वो जब अकबर के काल में आएंगे तो, या मुगल काल में, इसमें कुछ कुछ चीजें और ऐड हो जाएंगे, खूबसूरत तरीके से मकान वगैरह बनाए जाएंगे, चारबाग शैली में गार्डन का कॉन्सेप्ट आएगा, पानी के फव्वारे होंगे, वृक्षों की कतारें होंगी, अकबर के समय मूर्तियां और चित्र भी बनने लगेंगे, है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हमें देखेंगे अगले फेज में जब हम आएंगे तो, हम ठीक है। और निर्माण सामग्री, अपेक्षाकृत हल्के पत्थर, है ना, जो मंदिरों में पूर्व मध्यकाल में पत्थर बने, भारी भारी पत्थर, चट्टानों को यूज किया गया है, ठीक है, ये वहां से भी है, मतलब अरब देशों में भी प्रचलित रहा है, अपेक्षाकृत हल्के पत्थर, चूना, जिप्सम का गारा, चूना का जो प्रयोग होगा फर्स्ट टाइम होगा, पहली बार इमारतों को चूना लगाया जाएगा, है ना, पहली बार इमारतों को चूना लगाया जाएगा, है ना, फर्स्ट टाइम होगा ये, ठीक है, चूना का प्रयोग जो होगा, है ना। जिप्सम तो हड़प्पा में भी हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, तो हल्के पत्थर, चूना, जिप्सम, गारा, है ना। तो ये है आपका इस्लामिक फीचर हो गया आपका। और जब हम कहते हैं इंडियन फीचर, उस समय की हम बात करें हम, तो रिहायशी मकानों को छोड़ दें हम, तो इंडियन फीचर में हमें क्या दिखाई पड़ते हैं उस समय, मंदिर, स्तूप की परंपरा तो बंद ही हो चुकी थी ऑलमोस्ट, मंदिर, विहार, ठीक है, चैत्य, है ना, एक बात रखें स्तूप, उस समय के इमारतों की बात करें हम तो मंदिर, विहार, चैत्य, स्तूप, इसमें मेन तो मंदिर स्थापत ही था पूर्व मध्य काल में। अलंकरण में हमने क्या देखा है, इस स्थापत के निर्माण में कोई भी स्थापत्य हो उसमें स्तंभ और बीम, ठीक है, कभी कभी आप पढ़ोगे, जैसे अपने नोट्स में भी पढ़ोगे, स्टडी मटेरियल में भी, तो एक मेहराब धरनी शैली और एक क्षैतिज शैली, ऐसे वर्ड उसमें देखोगे, ट्रेविएट और आर्कवेट करके एक वर्ड मिलेगा आपको, आर्किटेक्चर के लिए वर्ड ही यूज किया जाता है, आपने स्टडी मटेरियल में भी दे रखा है हम लोगों ने, इसको मेहराब धरनी शैली कहते हैं, आर्कवेट और ट्रेविएट, और इसको आर्कवेट ऐसे करके एक वर्ड उसमें मिलेगा आपको, तो बस शैली के लिए नाम दिया गया है वो किताबों में। स्तंभ और बीम मेन हो गया, जैसे यूज करते हैं मकानों में, है ना। अलंकरण में देखोगे आप, इन इमारतों के अलंकरण में मूर्तियों का तो आपको याद होगा स्तूप के बारे में, या जो ओडिया शैली थी या खजुराहो शैली थी,
किसी मंदिर को ना आप इवन इंटरनेट पे भी देखोगे तो 1 इंच हिस्सा भी नहीं छोड़ा गया, मूर्तियां ऐसे बनाई गई हैं, पूरी की पूरी कहानी मूर्तियों के माध्यम से, पौराणिक कहानियों को, ठीक है, बहुत बारीकी से नक्काशी किया गया है, मतलब उत्कीर्ण किया गया मूर्तियों को। तो मूर्तियां तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था अलंकरण का भारतीय स्थापत्य में, चित्र भी बनाए जाते थे, है ना, कमल और कलश वगैरह की आकृति भी, गंगा यमुना, कमल कलश गंगा यमुना स्वास्तिक, ये सब चिन्ह जो होते थे अलंकरण के पार्ट पूर्व मध्य काल में चित्रकला में, मैंने बताया था आपको कुछ कुछ इसके बारे में, है ना, ठीक है, मूर्तियां चित्र वगैरह बनते थे और अपेक्षाकृत भारी पत्थर का उपयोग किया जाता था, है ना, उसमें कर जाने की जरूरत नहीं आपको, यही चीजों को ये और ये मिक्स हो जाएंगे, स्तंभ बीम कमल कलश ये सब चीजें मिक्स हो जाएंगी, ठीक है, और इसी को इंडो इस्लामिक कहा जाएगा। समझ में आ रही बात, इंडो इस्लामिक क्या है, तो इस्लामिक स्थापत्य की विशेषताएं और भारत में प्रसिद्ध स्थापत्य की विशेषताएं दोनों का मिक्सचर, ठीक है, इसको इंडो इस्लामिक कहते हैं। मध्य काल में इसके विकास की 3 अवस्थाएं हैं, जैसे है ना, मध्य काल में इंडो इस्लामिक, एक सल्तनत काल, एक क्षेत्रीय राज्य और एक मुगल काल, नोट करके लिख लें आप। नोट करके लिखें आप कि इस्लामिक एवं भारतीय स्थापत्य के मिश्रण को इंडो इस्लामिक स्थापत्य कहते हैं, ठीक है, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कहते हैं, है ना, और इसे में लिखें मध्य काल में इसके विकास की 3 अवस्थाएं हैं, इसके विकास की 3 अवस्थाएं हैं, देखिए आप, सल्तनत काल, ठीक है, सल्तनत काल, क्षेत्रीय राज्य एवं मुगल काल, ठीक है, एवं मुगल काल, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक जो भक्ति आंदोलन का आपको एक हैंडआउट आपके पास होगा, इसमें पीछे की तरफ किसी पेज पर दिख जाएगा सल्तनत कालीन कला एवं स्थापत्य करके, ठीक है, बस उसको निकाल कर रख लीजिएगा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस पर, ठीक है, सल्तनत कालीन कला स्थापत्य है, कल मैंने कहा था ना निकाल लेना, फिर तुम भूल गए हो, निकल ही नहीं रहा है, किसी से लेके जीरोस करा लो, ठीक है ना, ठीक है, अभी हम लोग एक बार फैक्चुअल इसमें दिया हुआ सब बात कर लेंगे और फिर हम लोग राइटिंग भी कर लेंगे इसके ऊपर। एक बार आप लोग अपने हैंडआउट्स को ले लेंगे अपने, है ना, हैंड में, हाथ में, और इसमें ना इंफॉर्मेशन को दिया गया, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी हैं इसमें, 2-3 मिनट में इसको हम लोग पढ़ते हैं एक बार, क्या ध्यान रखना है आपको। जैसे पहला लिखा हुआ है मामलुक वंश या गुलाम वंश, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो जैसे हम लोगों ने
एवक के समय क्या क्या निर्मित हुआ? ये जो मेहरौली के आसपास का इलाका है, पृथ्वीराज चौहान या चौहानों के नियंत्रण में था, ठीक है, उसे किलाए राय पिथौरा भी कहते थे। राय पिथौरा एक उपाधि थी जो इन्होंने ली थी पृथ्वीराज चौहान ने, है ना। तो उसे प्रथम दिल्ली भी कहा गया। दिल्ली के बारे में मध्यकाल में कहा जाता है 7 अलग अलग समय में दिल्ली की स्थापना हुई है ना, अलग अलग क्षेत्र में। तो एवक ने उस किले को जीता और वहीं पे उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार, ठीक है। अब कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो पहला मस्जिद है भारत में तुर्कों के द्वारा, और कुतुब मीनार, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जब भी बात होती है तो दिल्ली में कुतुब मीनार और मध्यकाल में और लाल किला, कोई कहीं भी हो, दिल्ली ना भी आए हो, कुतुब मीनार और लाल किला के बारे में जरूर जानता है। एवक ने बनवाया, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम पहला मस्जिद है, कुतुब मीनार बख्तियार काकी एक सूफी संत थे उनके सम्मान में, अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है अजमेर में, एक संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। ये क्या इन्फॉर्मेटिव पार्ट्स हो गया। एवक ने क्या बनाया? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार और ढाई दिन का झोपड़ा। बोलिए। नहीं, वो देखो विवाद में तो बहुत चीजें विवाद में है, ठीक है। तो हाँ, मतलब बहुत चीजें विवाद में बात है, अभी तो आए दिन विवाद उठ रहा है ना। बट हमें क्या है कि हमें विवादों से तो कोई लेना देना ही नहीं है, हमारे क्लास को ना आपको है ना मुझे है ना। कोई भी विवाद हो तो सरकार उसमें तय करेगी, अदालत उसमें तय करेगी, जो आपका स्टैंड होगा, मतलब, ठीक है। ये रिसर्च भाई या तो जो विद्वान है वो बताएं इसके बारे में, और अदालत इसका फैसला करे क्या था वो, ठीक है ना। मतलब, और जो संविधान सम्मत कानून सम्मत भूमिका है सरकार, उस भूमिका को स्टूडेंट्स का ये तरीका होता है अपनी बात रखने का, ठीक है। बस कभी इस तरह की कोई बात आए तो आप इन्हीं तीन ही रास्तों पे चलना है आपको, ठीक है। और रिसर्च करने वाले देखो, ये जो इमारतें शुरुआती दौर में बनी हैं, विवाद कुछ ऐसा हो जाता है कि अब जैसे मान लो कब्जा किया उन्होंने उस वाले इलाके में, 150,000 लोग वहां रह रहे हैं, उन्हें कुछ इमारतें बनवानी है अपनी, है ना। तो या तो कच्चे माल चाहिए उन्हें बनाने के लिए, या आसपास की इमारतें हैं उसी को तोड़कर उन्होंने जो है, वो धार्मिक इमारतें भी हो सकती हैं, गैर धार्मिक इमारतें भी हो सकती हैं। अब वहीं पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के ही उस पे लिखा हुआ है कि लगभग 27 जैन मंदिरों को तोड़ कर जो है इसको बनाया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइन बोर्ड होता है उसी पे लिखा हुआ है। उस मस्जिद में बहुत सारी आपको मतलब मूर्तियां दिख जाएंगी, स्तंभ दिख जाएंगे, जैन धर्म के बहुत सारे प्रतीक दिख जाएंगे आपको, कुछ कुछ हिंदू धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे प्रतीक आपको उसमें जुड़े जाएंगे, क्योंकि उस सामग्री को लेकर के बनाया गया वो, ठीक है। वहां जो सामग्री उपलब्ध थी उसको लेकर के वो बनाया गया, ठीक है। तो ऐसा है, इसको लेकर के क्या तरीका होना चाहिए ये सरकार तय करे, ये अदालत तय करे, ये बुद्धिजीवी के बीच बहस का विषय हो सकता है। मेरा अपना दृष्टिकोण है कि हम लोग आधुनिक युग में रहते हैं, मेरी जो अपनी निजी राय है, हम जिस युग में तर्क का कोई रोल नहीं है, जिस युग में विज्ञान का कोई महत्व नहीं है, ठीक है, तो उस युग में किए गए कार्यों को हम आधुनिक दृष्टिकोण, मतलब आधुनिक दृष्टिकोण वाले एक समाज में हम रहते हैं, तो प्रतिक्रिया स्वरूप ये देखना मैं बहुत इसे तार्किक नहीं मानता हूं। फिर उस युग में और इस युग में कोई अंतर भाई, किसी ने किया तो उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया, इसका कोई भी अंत नहीं होता है। आधुनिक समाज तर्क की बात करता है, प्रेम की बात करता है, सहिष्णुता की बात करता है, लगता है कि हमें उससे पहचान की संकट है, ठीक है, तो हम पहचान के और भी तरीके निकाल सकते हैं, हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि आगे कभी ऐसा ना हो, ठीक है। और क्योंकि इसका कोई एंड तो है नहीं, इसका कोई भी एंड इस तरह के विवाद का, बहुत सारी बातें जुड़ जाती है ना, मतलब इसमें
ऐसा तो नहीं कि मान लो कोई शासक था तो उसके समय कोई, ठीक है, मतलब कभी कोई हिंदू राजा ने किसी ने मदद, मुगल काल में देखोगे तो भरे पड़े हैं हिंदू शासकों का योगदान। राजस्थान के आमिर वंश की बात कर ले तो सबके सब बिहारी मल, मान सिंह, भगवान दास, कभी जय सिंह, जसवंत सिंह, है ना, तो उनका नाम तो नहीं बदल देंगे ना अब हम कि भाई इन्होंने क्यों मदद करी। तो ऐसे इसका कोई एंड नहीं होता है। एक समझ ये कि हम आधुनिक युग में रहते हैं तो फिर हम आधुनिक दृष्टिकोण से हम कि भाई हम क्यों इसका, ठीक है, प्रतिकार करें हम, तो फिर हम उसी की तरह और उसी के समकक्ष हो गए हम, तो फिर उसमें और हमें क्या अंतर रहा। ये मेरी निजी राय है, मतलब ठीक है, इसका कुछ नहीं। हाँ, हमें धरोहर को अब देखना है हमें, ठीक है, थोड़े बहुत कहीं ज्यादा ज्यादा विवाद है तो कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, अदालत को लाया जा सकता है ना, मतलब जहां भावनाएं बहुत, उसमें कोई इक्का दुक्का घटना, लेकिन वो नियम नहीं बन जाने चाहिए। फिर हम तो वही समकक्ष हो गए ना, हमारा भी तो वही काम रहेगा, फिर क्या अंतर रहा, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं हम, यदि आज हम कर रहे हैं हम, तो फिर ठीक है, भावनाओं को तो सम्मान का और भी तरीका हो सकता है, जो संभालने का और भी तरीका हो सकता है, ठीक है। तो ये निजी राय है मेरी, तो इसमें आपको तो कोई विवाद से मतलब ही नहीं रहेगा, जो मैं समझता हूं कि हाँ, ये इसका कोई एंड तो है नहीं। जीवन में सबको काम चाहिए, सम्मानजनक जीवन चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी हो, एक इंसान को क्या चाहिए, ठीक है, रोजगार उन्हें मिले, मतलब जीवन बेहतर हो, है ना, ठीक है, ये सब चाहिए हमें समाज में, मतलब ठीक है। तो सरकार को भी इधर ध्यान देना चाहिए, समाज को भी, मतलब उत्पादक कार्यों में, है ना, ये सब निजी स्वार्थ के लिए, मतलब ठीक है, और मान भी लिया जाए, ठीक है, कि कुछ ऐसा है। तो जैसे भारत में ये शुरू से विविधता युक्त समाज है, इस्लाम के आने के बाद भी, उससे पहले भी बहुत डाइवर्स समाज है हमारा, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, इतने सारे संप्रदाय, केवल गंगा घाटी में 62 संप्रदाय हैं, बुद्ध और महावीर के समय गंगा घाटी में 62 संप्रदाय हैं, ठीक है। तो आप देखो ना, चलो धर्म को माइनस कर दो, धर्म को माइनस करके भी कहां पे विविधता नहीं है, जीवन से धर्म को निकाल दो, हटा दो, खान पान में विविधता नहीं है क्या, पहनावे में विविधता नहीं है, बोलचाल जो बोली हमारी भाषा है उसमें विविधता नहीं है क्या, हर 50-100 किलोमीटर पे चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। और जब थोड़ा बहुत जैसे इन सब चीजों की समझ बने ना कि धर्म एक तरह से मतलब इंसान के लिए ही है, अब कहीं पे मान लो किसी भी संप्रदाय में, धर्म में, हर संप्रदाय में थोड़ी संख्या कम या अधिक, ठीक है, कम पढ़े लिखे मंद बुद्धि वाले लोग अधिक होते हैं, ठीक है, जो बदलाव का है विरोध, परिवर्तन का विरोध, ठीक है, तो आप उस मंद बुद्धि का तो नहीं बनोगे ना आप। हमें यह देखना है कि भाई मंद बुद्धि वालों की संख्या कैसे कम हो, उनमें कैसे बदलाव करें, अब प्रतिक्रिया में हम ही मंद बुद्धि का बन जाएं, तो इतने सारे विकास का क्या मतलब हुआ। अपने आप को नीचे नहीं गिराना, बल्कि बदलने के लिए लगातार, सुरक्षा संबंधी कंसर्न है तो वहां पे मजबूती रखिए आप, उसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब ठीक है। तो अब इसमें बहुतों का रोल हो जाता है, नागरिक का अलग रोल है, बट सरकार की बड़ी भूमिका हो जाती है ना। तो मतलब इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ऊर्जा व्यर्थ नहीं होनी चाहिए किसी भी समाज की, ठीक है, मेरी अपनी राय ये है कि नॉट गुड, हम डेवलपमेंट पे ध्यान दें हम, है ना, बदलाव पे ध्यान दें हम, है ना, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्थापत्य का, जैसे हमने कहा, तो ये इंफॉर्मेशन हो गए आपके तीन। अब जैसे देखो, एवक के बाद इल्तमस, कभी कभी इल्तमस को, अब देखो इल्तमस के समय कितने सारे हैं, कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा करवाया, 4 मंजिल थी कुतुब मीनार में, कंप्लीट इसके समय हुआ, ठीक। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने से 1 मंजिल नष्ट हो गई थी, 4थी मंजिल, FST ने उसको भी बनवाया, उसमें 1 मंजिल उसने और ऐड कर दिया। तो अब कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, 3 शासकों की भूमिका। ये सब इंफॉर्मेशन के पार्ट है जो चलते फिरते आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी है, ठीक है।
नसीरिया मदरसा एक बना था दिल्ली में, इल्तुतमिश का मकबरा है दिल्ली में, सुल्तान गढ़ी का मकबरा दिल्ली में एक जगह है सुल्तान गढ़ी है ना, इल्तुतमिश के बेटे का मकबरा है, यह सल्तनत काल का पहला मकबरा है, पहली मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम, पहला मकबरा नसरुद्दीन मोहम्मद का। एक जामी मस्जिद बना था इसने, बनाया था इसने मस्जिद बदायूं में, एक दरवाजा कभी कभी विजय के प्रतीक के रूप में है ना नागौर में, गंधक की बावली मेहरौली में, एक ईदगाह वहां लिखा हुआ दिल्ली, वहां कर लीजिएगा बदायूं काट करके, ईदगाह में कर लीजिए आप बदायूं, शमसी ईदगाह। ठीक है, तो अब ये सब इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। बलबन के समय लाल महल और बलबन का मकबरा दिल्ली में ही बनाया दोनों। कैकुबाद के समय एक महल बना था हरियाणा के किलोखड़ी में। अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाई दरवाजा, ये कुतुब मीनार वाले परिसर में ही है, खिलजी काल का बेस्ट आर्किटेक्चर माना जाता है, गुंबद इसमें बनाया गया है। हौज खास जो कल मैं आपको बता रहा था उसको हौज अलाई भी कहते हैं, ये दिल्ली आईआईटी के पास पड़ता है ये। एक अलाउद्दीन खिलजी एक अलग शहर बना रहा था दिल्ली में, उसे सीरी नगर कहते हैं। ठीक है, इसको दूसरी दिल्ली, पहली दिल्ली हो गई किलाए राय पिथौरा, जहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी कुछ कुछ इमारतें बनवाई। इसका मतलब वो अलग से कई इमारतों का निर्माण शहर बसाया जा रहा है, 10-20 इमारतें बनाई जा रही छोटी बड़ी है ना। एक जमात खाना मस्जिद है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में यहां पे। ठीक है, एक हजार स्तंभों वाला महल, अब स्तंभ हजार स्तंभ, ऐसा ही एक महल विजयनगर के काल में भी बना है, हजार स्तंभों वाला, आप देखिएगा द्रविड़ स्थापत्य मैंने लिखाया था। ठीक है, स्तंभ का मतलब ही हो गया आपका हिंदू स्थापत्य का बढ़ता प्रभाव उस इमारत पे। ठीक है, स्थापत्य पर सलजुक प्रभाव, सलजुक एक वंश है। ठीक है, मध्य एशिया पे इसकी, पश्चिम एशिया पे इसकी पकड़ रही है, शासन रहा है सलजुक का, वो पूछेगा नहीं आपसे, बस वर्ड यूज हो गया उसमें है ना। प्रभाव में वृद्धि, मेहराब के निचली सतह पर कमल कली के झालर, जैसे मान लो ये मेहराब बन रहा है, तो इन सब हिस्सों पे कमल ऐसे करके झालर बनाए जा रहे हैं। अलाई दरवाजा में खूब दिखता है ये, है ना। मेहराब की आकृति घोड़े की नाल की तरह तो बहुत अच्छा माना जाता है, खूबसूरत माना जाता है। अब देखो चैत्य की जो प्रवेश द्वार होते थे वो भी घोड़े के नाल जैसा होता था, आपको याद होगा। कोई ऐसा ही नहीं कि किसको किसने प्रभावित किया है, जो जितने भी पश्चिमी घाट के मशहूर चैत्य हैं सब घोड़े के नाल की तरह इसके प्रवेश द्वार, जिसे तोरण कहते हैं। तुगलक काल में गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद फोर्ट, पहली बार सल्तनत काल में कोई फोर्ट बन रहा है, किलेबंद बस्ती, आज वहां एयरफोर्स का स्टेशन वगैरह है वहां पे तुगलकाबाद फोर्ट में है ना, इसको तीसरी दिल्ली भी कहा जाता है। इसका महल है वहीं पे, खूब चमकता था। इब्न बतूता एक विदेशी यात्री है मोरक्को का, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, मैं सूर्योदय के समय चमकता था है ना। और इसका एक मकबरा है, मकबरा पे हिंदू स्थापत्य का अच्छा खासा प्रभाव दिखेगा, स्तंभ बीम कमल कलश सब दिखेंगे आपको जीएसटी के मकबरा में है ना। मोहम्मद बिन तुगलक एक नगर बनाया जहां अपना नगर है, कुछ खास अवशेष नहीं मिलते हैं इसके, चौथी दिल्ली। एक फोर्ट बनाया, ये भी अब काफी नष्ट हो चुका है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि भाई जब मैं शरीर का त्याग कर दूं तो मुझे मेरे कोई मकबरा वगैरह मत बनाना, ये उनका शिष्य था, विद्वान भी था, कहां सुनने वाला था अपने गुरु का। उसने कहा था मुझे खुले में विश्राम करने देना, निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहा था मुझे खुले में विश्राम करने देना, मतलब आसमान ही छत हो हमारा। मकबरा बना दिया इन्होंने, भाई साहब विद्वान थे। ठीक है,
फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली में एक फिरोज शाह कोटला नगर, उसे पांचवी दिल्ली कहते हैं, कल जहां 2020 मैच हो रहा था दक्षिण अफ्रीका से, जो मैच हो रहा था फिरोज शाह कोटला के मैदान में ही हो रहा था, ठीक है। एक इसका वजीर था खाने जहां तेलंगाना का रहने वाला था, ब्राह्मण था, इस्लाम धर्म अपना लिया था, खाने जहां तेलंगानी। अष्टकोणीय मकबरा, जैसे अब तक जो बनते थे चार कोण वाले बन रहे थे या सिंपल बन रहे थे, द्रविड़ स्थापत्य में जो मंदिर होता है वो अष्टकोणीय होता है, खूबसूरत दिखता है थोड़ा सा ये अष्टकोणीय मकबरा, और कुछ कुछ पुरानी इमारतों का जीर्णोद्धार। तो ऐसे आप देखोगे तो आगे कुछ कुछ जानकारी खत्म हो जा रही है, तो कब क्या बना ये इसमें बताया गया, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट आप यहां से भी कर सकते हो, बेहतर होगा कि इसको आप अपने हाथों से अपनी कॉपी में एक बार, मेरा काम सुझाव देने का है, जब आप फंसोगे कभी एग्जाम के पहले बात नहीं मानोगे, तो हो सकता है मैं याद आऊं भी ना भी आऊं, ठीक है ना, दोनों बातें हो सकती हैं, मैं याद भी आ सकता हूं कभी सर ने कहा था, बट अपनी राइटिंग में चीजें जल्दी याद होती हैं, लिखने मात्र से चीजों पे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है हमारा, ठीक है। आप लिखोगे तभी चीजें बैठ जाएंगी, याद हो जाएंगी, फिर रिविजन करने में सहूलियत होगी आपको। इसी को थोड़ा अब हम लोग रिटन फॉर्म में ढाल लेते हैं। देखिए आप मेंस में कुछ लिखना हो तो क्या लिखना पड़ सकता है आपको, है ना, ठीक है। सल्तनत कालीन स्थापत्य, कालीन स्थापत्य पहला लिखे आप इसमें, प्रारंभिक तुर्कों के काल में, पॉइंट्स में लिखते चलिएगा, लिखे आप ऐबक, इल्तुतमिस, बलबन इत्यादि शासकों के काल में कई इमारतों का निर्माण, जैसे कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कौमा नसीरिया मदरसा, सुल्तान गढ़ी में मकबरा, अब मेंस में क्या होता है आप फ्री होते हैं, ऐसा जरूरत के हिसाब से आप बता सकते हो ऐबक के समय क्या बना, वो तो आपको याद रहेगा ही। अब एक दूसरे पैटर्न में लेके चलो, प्रारंभिक तुर्कों के समय कई इमारतें बनी, इसमें कुछ प्रमुख हैं, किसके समय क्या बना ये तो याद रहेगा ही आपको। अब आगे लिखे हम, अधिकांशतः इमारतों का निर्माण दिल्ली में, हालांकि कुछ इमारतें बदायूं, नागौर, अजमेर इत्यादि में भी बनाई गई।
ठीक है, जैसे अभी बताया आपको, बदायूं में मस्जिद बनी, नागौर में दरवाजा बना, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना। तो ऐसे करके कुछ इमारतें दिल्ली में ही मैक्सिमम इमारतें बनने, शुरुआती दौर में मैक्सिमम इमारतें पहले फेज में दिल्ली में ही बन रही हैं। आगे लिखे आप, परवर्ती काल की तुलना में कलात्मक दृष्टिकोण से बेहतर नहीं है बाद में कलात्मक दृष्टिकोण से बेहतर इमारतें बनेंगी, ठीक है। तो कलात्मक, परवर्ती काल की तुलना में कलात्मक दृष्टिकोण से बेहतर नहीं है, लेकिन इस्लामिक स्थापत्य से संबंधित अधिकांशतः महत्वपूर्ण विशेषताएं इन इमारतों में दिखाई पड़ती हैं या देखी जा सकती हैं, जैसे मकबरा, मस्जिद एवं मदरसों का निर्माण, कौमा इन इमारतों में मीनार, गुंबद एवं मेहराब का भी निर्माण, मीनार, गुंबद एवं मेहराब का भी निर्माण, तथा अलंकरण में अरबेस्क सुलेखन का प्रयोग, अरबेस्क एवं सुलेखन का प्रयोग, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट था वो कभी भी आप कहीं भी लिख सकते हो उसको, आप जो हमने समझाया था ना इस्लामिक स्थापत्य, कभी भी लिखोगे 50-60 शब्द तो वो प्रेजेंट करना ही है उसी को हर जगह, किसी भी काल में, किसी भी शासक के बारे में, ठीक है। आगे लिखो आप, इस्लामिक स्थापत्य के साथ साथ भारतीय स्थापत्य की कई विशेषताएं भी इन इमारतों में दिखाई पड़ती हैं, जैसे स्तंभ एवं बीम का प्रयोग, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट लिखना है हमें यहां पे भी, है ना। आगे लिखें, भारतीय स्थापत्य से संबंधित विशेषताओं भारतीय स्थापत्य से संबंधित विशेषताओं को समाहित किए जाने का कारण, समाहित किए जाने का मुख्य कारण था
मुख्य कारण था। यहां की इमारतों को तोड़कर इमारतों को तोड़कर प्राप्त सामग्री से स्थापत्य का निर्माण जैसे कहीं मंदिरों को तोड़ा गया या किसी बिल्डिंग को तोड़ा गया, इसलिए नहीं कि समन्वयवादी दृष्टिकोण है। कोई बाहर से आके हमला कर रहा है तो इतना भी समाज में नहीं होता कि समन्वय तुरंत बैठ जाता है। ऐसा नहीं होता ना कि कोई आकर के भाई आपके हक क्यों मार रहा है और विरोध नहीं करेंगे आप। विरोध हो रहा है, लड़ाइयां हो रही है ना, समन्वयवादी दृष्टिकोण के कारण नहीं है। जब अस्थायित्व आ जाता है सिस्टम में ना, जब शासकों का जन्म इसी धरती पर हो रहा, वो यहीं के होके रह जा रहे हैं हम, और धीरे धीरे वो समझ रहे हैं कि भाई एक बड़ी आबादी है यहां पर, उनके साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा, तब वो दृष्टिकोण स्वतः उभरता है। अभी जो दृष्टिकोण है वो दबाव का दृष्टिकोण है, ना कि स्वतः उभर रहा है वो। तो स्थापत्य का यदि प्रभाव हमें दिख रहा है हिंदू स्थापत्य का, तो उसका एक कारण यह है कि यहां की सामग्री को ही इस्लामिक स्थापत्य के निर्माण में उपयोग किया गया तोड़ करके। ठीक है, लिखें तथा का निर्माण, तथा इस्लामिक स्थापत्य के निर्माण में भारतीय इस्लामिक स्थापत्य के निर्माण में भारतीय कारीगरों की भूमिका उनके साथ बहुत कारीगर तो आए नहीं थे ना, तो यहां के कारीगरों को ही कुतुब मीनार बनाना हो या कोई मस्जिद बनाना हो तो बहुत अनुभव तो था नहीं उन्हें। ठीक है, जो जिस चीज का अनुभव था उसकी झलक वो भी दिखेगी। तो यदि हिंदू स्थापत्य का प्रभाव दिखता है प्रारंभिक इमारतों में, जैसे मान लो 2.5 दिन का झोपड़ा पहले से संस्कृत महाविद्यालय है, थोड़ा ही मॉडिफिकेशन आपने किया तो वो तो वैसे ही रह जाएगा। तो यदि हिंदू स्थापत्य का प्रभाव है तो इन कारणों से ज्यादा है, न कि शासकों और यहां के लोगों के बीच में एक समन्वयवादी दृष्टिकोण का विकास हो गया था। आगे लिखें आप एक और पॉइंट। देखिए, प्रारंभिक दौर में राजनीतिक अस्थिरता संसाधनों की कमी इत्यादि कारकों ने भी समकालीन स्थापत्य को प्रभावित किया। ठीक है, जैसे बार बार उठा पटक हो रहा है ना, राजा बदल रहे हैं, सुल्तान बदल रहे हैं, और बहुत रेवेन्यू का सोर्स मजबूत नहीं है, तो इसलिए भी आपको कलात्मक दृष्टिकोण से कोई बहुत अच्छी इमारतें, कुतुब मीनार को छोड़ दो आप, कोई बहुत आकर्षक इमारतें नहीं बनी है इस समय। लेकिन हाँ, इस्लामिक स्थापत्य की सभी विशेषताएं आपको इमारतों में दिख जाएंगे। ठीक है, तो पहला फेज के बारे में एक विश्लेषण सा हो गया कि पहला फेज कैसा था। अब लिखे खिलजी कालीन, लिखे खिलजी शासकों का कार्यकाल अधिक लंबा नहीं था।
फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के काल में फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के काल में कई इमारतें बनी, जिसका स्थापत्य के दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। विशेष महत्व है, इसे में लिख लो आप। अगला पॉइंट लिख लो आप इसमें कि प्रमुख इमारतें, नाम लिख लो आप इसमें, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, हौज खास, जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद, देखो आप, श्रीनगर तथा हजार स्तंभों वाला महल, आगे लिखें, कलात्मक दृष्टिकोण से पूर्ववर्ती काल की तुलना में इसे बेहतर माना गया है। अलाई दरवाजा में अत्यंत ही आकर्षक मेहराब, आकर्षक मेहराब, गुंबद का निर्माण किया गया और सर्वोच्च कोटि का सुलेखन भी। मतलब वो कैलीग्राफी देखने वाली है, बहुत आकर्षक कैलीग्राफी है वो, कुरान की आयतें जो लिखी गई है उसमें, है ना। तो उसकी तुलना में ये बेहतर माना गया है। आगे लिखें आप, लिखे इन इमारतों पर भारतीय स्थापत्य का प्रभाव भी दिखता है। जैसे अलाई दरवाजा में कमल के झालर का निर्माण, हजार स्तंभों वाले महल में, हजार स्तंभों वाले महल में स्तंभों का निर्माण, इत्यादि कर दीजिए। इसी में लिख लें आप, इंडो इस्लामिक स्थापत्य के विकास की दिशा में स्थापत्य के विकास की दिशा में अपेक्षाकृत
स्वाभाविक विकास प्रतीत होता है। ठीक है, स्वाभाविक विकास प्रतीत होता है। आगे लिखें आप, इन इमारतों में विविधता भी दिखाई पड़ती है। जैसे मस्जिद, शहर, तालाब इत्यादि का निर्माण, तालाब इत्यादि का निर्माण एक विविधता भी दिखाई पड़ती है। लिखें, अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक स्थिरता खिलजी के काल में कर लीजिएगा, खिलजी के काल में राजनीतिक स्थिरता, ठीक है, स्थिरता कौमा बेहतर आर्थिक संसाधन, और उसके आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति इन इमारतों में देखी जा सकती है। ठीक है, अभिव्यक्ति इन इमारतों में देखी जा सकती है ना। ठीक है, तो छोटा ही फेज है, बट इसका फेज थोड़ा बेहतर है। अलाई दरवाजा मतलब समझो सल्तनत काल के सबसे खूबसूरत इमारतों में एक है। वो चाहता था कुतुब मीनार से भी बड़ी एक इमारत बनाना, वो नहीं मिल पाया समय उसे। मतलब ये सब उसके राजनीतिक कॉन्फिडेंस, स्थिरता, संसाधन, और उसमें एक नवाचार तो था ही, चाहे बाजार नियंत्रण हो या इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, दक्षिण भारत कंट्रोल नहीं करना, ये उसका विवेक था। चाहता तो कब्जा कर सकता था वो। तो मतलब देखा जाए तो उस दौर के शासकों में सबसे योग्य शासकों में है, तो वो योग्यता उसकी इमारतों में भी दिख रही है। देखो तुगलक कालीन, तुगलक कालीन देखो आप, इस दौर की प्रमुख इमारतें हैं तुगलकाबाद फोर्ट, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक जीएसटी का, जीएसटी लिखिएगा, आदत मत डाल लीजिएगा आप लोग, शॉर्ट फॉर्म है तो आदत मत डाल लीजिएगा आप लोग, है ना, जीएसटी का मकबरा है ना। ठीक है, तो मकबरा कौमा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, एवं फिरोज शाह तुगलक के काल में बड़ी संख्या में शहरों का निर्माण बड़ी संख्या में शहरों का निर्माण
तथा मदरसा एवं मकबरों का भी निर्माण। ठीक है, एक खाका सा फिर खींच दिया हमने, है ना। अब 5-7 फीचर इसमें हम लिखेंगे, हम लोग क्या क्या और चेंजेस हमें दिखाई पड़ते हैं, क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है। आगे लिखें आप, खिलजी काल की तुलना में इमारतों की संख्या अधिक है, लेकिन खिलजियों की तरह या खिलजी की तरह कलात्मक सौंदर्य नहीं, बल्कि सादगी अधिक है। तो कलात्मक मामले में थोड़ा सा डाउन जाएगा ये। आगे लिखें आप, पहली बार किलेबंद बस्तियों का निर्माण, पहली बार किलेबंद बस्तियों का निर्माण, जैसे तुगलकाबाद है ना, लिख दीजिए आप, जैसे तुगलकाबाद, जैसे तुगलकाबाद फोर्ट। एमबीटी ने बनाया था आदिलाबाद फोर्ट, यानी किला है, उसके भीतर बहुत सारी इमारतें हैं। आगे लिखें आप, चूंकि तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का व्यापक विस्तार हुआ, तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का व्यापक विस्तार हुआ, दिल्ली सल्तनत का व्यापक विस्तार हुआ, अतः स्थापत्य भी अब, अतः स्थापत्य का निर्माण भी केवल दिल्ली केंद्रित नहीं रहा, स्थापत्य का निर्माण भी केवल दिल्ली केंद्रित नहीं रहा, जैसे लिख लीजिए आप, जैसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बड़ी संख्या में शहरों का निर्माण, कुछ हरियाणा में है, यूपी में है ना, ऐसे शहर हैं। ठीक है, तो केवल दिल्ली केंद्रित नहीं रहा स्थापत्य, दौलताबाद में कुछ इमारतें बनाई गई, अब सब टूटी फूटी अवस्था में है, वारंगल में, मतलब अब इमारतों का दायरा बढ़ा, क्योंकि साम्राज्य का दायरा व्यापक था इस बार, अब याद है ना आपको, हमने कहा था जब हम पढ़ते हैं तो राजनीतिक समझ हमें हेल्प करती है टिप्पणी करने में, विश्लेषण करने में, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, वो थोड़ा हेल्प मिलता है हमें उससे, राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग से। आगे लिखे आप, प्रारंभिक तुगलक शासकों तुगलक शासकों के द्वारा ढालवा दीवारों का निर्माण, स्लोपिंग वॉल, ठीक है, ढालवा दीवारों का निर्माण, ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, सलामी, आर्किटेक्चर की भाषा में इसे सलामी कहा गया है। ठीक है, आगे लिखें, इंडो इस्लामिक
स्थापत्य का विकास, स्थापत्य का स्वाभाविक विकास, इस दौर में भी जारी रहा। जैसे गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में अधिकाधिक स्तंभों, कमल, कलश इत्यादि के साक्ष, कमल कलश इत्यादि का साक्ष, आगे लिखे हैं। स्थापत्य का एक कल्याणकारी स्वरूप भी इस काल में देखा। जैसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हौज खास का पुनरुद्धार, हौज खास का पुनरुद्धार, ठीक है, कौमा बड़ी संख्या में शहरों के निर्माण ने आर्थिक गतिविधियों तथा रोजगार के अधिक अवसरों को जन्म दिया। तो थोड़ा सा जैसे संरक्षणवादी स्वरूप है, अशोक का जो अभिलेख था आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, एक मेरठ में था, एक टोपरा में था, स्तंभ लेख में, दिल्ली में, उसको दिल्ली लाने वाला फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, संरक्षणवादी स्वरूप, आपको तो मीनार का पुनर्निर्माण करवा रहा है, हौज खास का पुनर्निर्माण करवा रहे, सब संरक्षणवादी स्वरूप भी है उसका, तो कल्याणकारी संरक्षणवादी स्वरूप भी आपको दिखेगा उसके स्थापत्य में। एक ऐसे जानकारी वाली बात है, फिरोज शाह तुगलक के काल की इमारतों में ढलवा दीवारों का निर्माण बंद हो गया था, ठीक है, एमबीटी के समय है, जीएसटी के समय है, बट एफएसटी के समय नहीं है वो। तो तुगलक कालीन स्थापत्य के बारे में कुछ बात हो गई। लास्ट लिखें आप, सैयद एवं लोधी काल में, सैयद एवं लोधी काल में देखिए स्थापत्य के दृष्टिकोण से इस काल को मकबरों का काल भी कहते हैं, लिखें कि सिकंदर लोदी के काल में बड़ा गुंबद, नाम दिया गया है, कौमा मतलब थोड़ा विशालकाय गुंबद है, छोटा गुंबद, ये सब लोदी गार्डन में मिल जाता है ना, यहाँ पे दिल्ली में ही है,
ठीक है, बड़ा गुंबद, छोटा गुंबद, दादी का मकबरा इत्यादि इमारतों का निर्माण। ठीक है, अगला पॉइंट, सामान्यतः अष्टकोणीय मकबरा का निर्माण सामान्यतः अष्टकोणीय मकबरा का निर्माण तथा स्थापत्य में दोहरे गुंबद की शुरुआत, डबल डोम, दोहरे गुंबद की शुरुआत। गुंबद की शुरुआत, दो गुंबद के ऊपर गुंबद नहीं दिखेगा आपको, एक ही दिखेगा गुंबद आपको, बट उसमें दो मजबूती के लिए उसको, है ना, दो दो गुंबद बनाए जाएंगे। मतलब आगे लिखे आप, मकबरे का निर्माण उद्यानों के बीच किया जाने लगा, बगीचों के बीच किया जाने लगा, गार्डन में इमारतों का निर्माण पहली बार अभी शुरू हुआ है ना। एक और लिख लें आप, मकबरों के अतिरिक्त दिल्ली में मोठ मस्जिद, मोठ मस्जिद, आगरा शहर इत्यादि का निर्माण भी इसी काल में हुआ। ठीक है, तो केवल मकबरा नहीं बल्कि आगरा शहर 1506 में बना, दिल्ली में एक साउथ एक्सटेंशन करके एक जगह, यहां पे साउथ एक्स करके वहां पे एक मस्जिद मोठ नामक जगह ही है वो, है ना। तो इसका वजीर था मियां भुआ, उसके उसने बनाया था, मतलब हमने हैंडआउट्स में दे रखा है ना। तो मकबरा ही बना है मेन, बट ये सब इमारतें भी बन रही हैं इस दौर में। तो ना अभी जैसे क्वेश्चन हो सकता है, सल्तनत काल में स्थापत्य के विकास को संक्षेप में बताएं, या आपसे किसी काल के बारे में पूछा जा सकता है। अभी तक मेंस में कोई सवाल नहीं आया, बट प्रारंभिक परीक्षा में सवाल आ चुका है। मेंस के सिलेबस में वैसे भी स्थापत्य को अलग से हाईलाइट किया गया, कला स्थापत्य को, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। तो जो जो राइटिंग आपको करनी होगी कॉन्सेप्ट के रूप में, उसका एक ढांचा हमने बना दिया है, इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ के बताई दिया, वो सब आपको ध्यान रखने हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट वीक में क्लास होगी, उसमें हम लोग इसके जुड़े हुए बाकी जो पहलू हैं, जैसे चित्रकला, संगीत, साहित्य, ये सब नोट्स से ही हम पढ़ेंगे। आप उसको पढ़ने की कोशिश मत करिएगा ज्यादा, मैं ही आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा, नोट्स के थ्रू ही मैं आपको बताऊंगा। मुश्किल से आधे घंटे में ये तीनों बातें बता दूंगा मैं आपको। फिर हम आ जाएंगे सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन पे, वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, उसमें हम नोट्स का भी यूज करेंगे और बहुत सारी बातों को लिखाऊंगा भी मैं आपको उसमें, सूफी और भक्ति आंदोलन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो कल्चर वाला हिस्सा वही कवर होगा। हाँ बोलो, क्या सवाल है आपका? दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत क्यों कहा गया? हमने, हाँ, मुगलों ने भी दिल्ली सल्तनत पे शासन किया, बट उनको दिल्ली सल्तनत नहीं कहा जाता है। मुगल जो थे ना शासक, वो सुल्तान अपने आप को नहीं कहते थे। ठीक है, हमने शुरू में ही बताया था, जो जो शासक थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे, और सुल्तान का क्षेत्र जो है सल्तनत कहलाता था, दिल्ली राजधानी थी, इसलिए दिल्ली सल्तनत कहलाया। शुरू क्लास में पहले दिन बताया था, 3 दिन पहले हमने, मुगल सुल्तान कहते नहीं थे अपने आप को। फिर नामकरण कई बार सुविधाओं के लिए भी किया जाता है, बट ये तो चूंकि आपने पूछा तो उसका आंसर ये है, बट कई बार सुविधाओं के लिए भी नामकरण किया जाता है। जैसे
हमने दिल्ली सल्तनत को ही देखो, हमने चार पांच भागों में बांटा, बट जो प्रारंभिक तुर्क है वो तीन भागों में बटा हुआ है, ऐबक और उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिस और उसके वंशज बलबन और उसके वंशज, तीन वंश यहां हो गए। खिलजी का वंश हो गया चार, तुगलक हो गया पांच, सैयद अलग हो गया छह, टोटल सात वंश हो गए आपके। बट पहले वाले को प्रारंभिक तुर्क कह दिया गया है, ठीक है, तो सुविधा के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर है ना मुलाकात होती है। थैंक यू।